राइट जी, आई विल कंटिन्यू विद द अर्न वैल्यू जहां हमने कल छोड़ा था। अर्न वैल्यू में हमने जो बेसिक्स थी वो तो देख ली थी, टर्मिनोलॉजीज जो इसकी हैं वो हमने समझ ली थी। हमने कहा कि जो जो एस कर्व बनता है कॉस्ट बेसलाइन का, वो प्लानिंग के वक्त बन जाता है पूरा, कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे कैसे होगा, कब कब कितने पैसे लगेंगे, दैट वी नो बिकॉज वी नो द बजटेड वैल्यू ऑफ एवरी एक्टिविटी। देयरफॉर वी ऑल्सो नो व्हेन व्हाट मनी इज टू बी स्पेंट, और वो ग्राफ उस चीज का है, कम्युलेटिव ग्राफ है पैसे खर्च होने का, कैसे खर्च होंगे, अभी हुए नहीं है, प्लान किया है कि ऐसे पैसे खर्च होंगे, वो एस कर्व हमने अप्रूव करा लिया और उसी के मुताबिक फंडिंग लिमिट रिकंसाइल की है कि कब कब कितना पैसा रिलीज करना है। ये तो उस एस कर्व के हवाले से बात होगी। अब उसकी कैलकुलेशन की बात, मैंने ये कहा था कि उस एस कर्व के ऊपर एवरी पॉइंट इज अ प्लैंड वैल्यू एट दैट पॉइंट। एवरी पॉइंट ऑन एस कर्व इज अ प्लैंड वैल्यू एट दैट पॉइंट, मतलब किसी भी जगह पे आप खड़े होकर कह सकते हैं कि भाई इस वक्त का प्लैंड वैल्यू क्या है, तो वो उसका मतलब ये होगा कि अब तक कितने पैसे खर्च हो चुके होने चाहिए थे, मतलब प्लान के मुताबिक, बजट के मुताबिक, स्केड्यूल के मुताबिक कितना काम हो चुका होना चाहिए था और उसमें कितने पैसे खर्च हो चुके होने चाहिए थे। मतलब ये जो अमाउंट है, दिस एक्चुअली स्पीक्स ऑफ बोथ द टाइम एंड द कॉस्ट। ये जो पीवी की वैल्यू है, बुनियादी तौर पे इतना काम स्केड्यूल्ड था और इतना पैसा बजटेड था, तो पीवी को हम बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड भी कहते हैं, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड भी कहते हैं। और मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि पीवी की सारी वैल्यूज हमें पहले ही पता होती हैं प्लानिंग की कंप्लीशन के ऊपर, जब हम बेसलाइन करते हैं तो यही चीज तो बेसलाइन हुई है। एंड ऑल्सो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ पीवी दैट इज द कंप्लीशन, दैट वेरी पॉइंट जहां पे पूरे प्रोजेक्ट की पीवी है, मतलब कम्युलेटिव टोटल कितने पैसे लगने थे, द हाइएस्ट पॉइंट जो एस कर्व का ऊपर वाला पॉइंट है, उस पीवी को हम बजट एट कंप्लीशन कहते हैं, उसको हम बजट एट कंप्लीशन कहते हैं। सो यूं कह सकते हैं आपके पीवी ऑफ द लास्ट डे ऑफ द लास्ट प्लान डे ऑफ द प्रोजेक्ट इज बजट एट कंप्लीशन, राइट जी? ओके, तो पीवी में क्या चीज थी जी? इसके अंदर तमाम काम जो स्केड्यूल हुआ था उसके पैसे शामिल हैं, और पैसे कौन से, जो बजटेड है, जो कि बेसलाइन है, ठीक है जी, इसके मुताबिक हमने काम करना है। अब हुआ क्या, एक्चुअली जब काम किया तो कुछ काम हुआ, तो किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर हम ये पूछ सकते हैं, भाई व्हाट इज योर अर्न वैल्यू? अर्न वैल्यू वुड बी हाउ मच वर्क यू हैव डन, उस वर्क का स्केड्यूल के मुताबिक या बजट के मुताबिक कितने पैसे खर्च होने चाहिए थे। ये भी एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वर्क परफॉर्म्ड जो है वो एक्चुअल वर्क परफॉर्म्ड है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वही बजटेड वाली कॉस्ट है, जो कि हमने प्लान के वक्त हर एक एक्टिविटी का बजट बनाया था, वो जितने काम हो गए हैं उनका बजट हम ऐड कर दें। तो मैंने कहा था कि जो बेसिक मेथड है वो तो 0-100 वाला है, तो जो काम खत्म नहीं हुआ उसके टाइम काउंट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर हमने ये भी कहा कि कुछ वेरिएशंस पॉसिबल हैं। एक वेरिएशन मैंने यूं बताई कि अगर आप कोई काम किसी ठेकेदार को दे रहे हैं और वो आपसे कुछ एडवांस मांग रहा है, एक्चुअली ये जो 0-100 या 50-50 है, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोग्रेस, दिस इज द स्पेंडिंग ऑफ मनी। सो इफ यू आर गिविंग 50% एडवांस, दैट मीन्स यू आर कमिटिंग कि 50% काम हो गया ऑन द वेरी डे वन। और भी कुछ सिनेरियो हो सकता है। कहा यह जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी
इज डिपेंडेंट अपॉन, वो जो हमने पहले बात की थी कि ड्यूरेशन आपने एक्टिविटी की कितनी रखनी है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंट्रोल, आप कितना डीप कंट्रोल रखना चाहते हैं। अब ये बात गौर से सुनिएगा, अगर आप हफ्ते के हफ्ते प्रोग्रेस मांग रहे हैं तो आपकी एक्टिविटीज का जनरली साइज एक हफ्ते से कम कम होना चाहिए, मतलब दिनों में होना चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट महीने के महीने जाती है तो आपकी एक्टिविटीज का साइज महीने से कम होना चाहिए, मतलब जो भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड है आपका एक्टिविटी का साइज उससे कम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी तौर पे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज का टाइम उससे कम हो तो बेहतर है। वजह यह है कि अगर से कि आप रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं हफ्ते के हफ्ते और एक्टिविटी के साइज है तीन तीन महीने, छह छह महीने, तो इसका मतलब है कि तीन महीने तक जो रिपोर्ट जाएगी उसमें जीरो 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 जाता रहेगा। ये तो बड़ी स्टुपिडिटी है, ऐसा बनाने की जरूरत क्या थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी का साइज जो है वो रिपोर्टिंग पीरियड से गवर्न होता है। हैविंग सेड दैट, ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई एक्टिविटी रिपोर्टिंग पीरियड से बड़ी भी हो जाए। ऐसी होती हैं एक्टिविटीज, कुछ तो ऐसी भी एक्टिविटीज होती हैं जो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चलती रहती हैं। सो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि दो रिपोर्टिंग पीरियड, अगर हफ्ते से हफ्ते रिपोर्ट हो रही है तो एक एक्टिविटी है दो रिपोर्टिंग पीरियड जितनी लंबी, दो हफ्ते जितनी लंबी, या तीन हफ्ते वाली भी हो सकती है, चार हफ्ते वाली भी हो सकती है। ऐसी ज्यादातर तो नहीं होती, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं। आप जरा सुनिएगा मेरी बात गौर से, ऐसी एक्टिविटी जो दो रिपोर्टिंग पीरियड्स तक एक्सटेंड होती हैं, मतलब मैक्सिमम साइज उनका दो रिपोर्टिंग पीरियड से बड़ा नहीं होता, उनके ऊपर भी अगर आप चाहें, जब आप रूल्स बना रहे हैं स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान के अंदर, आप कह सकते हैं कि इसकी प्रोग्रेस 50-50 रूल पे ली जाएगी। इसका क्या मतलब होगा? वही मतलब होगा इसका कि 50% प्रोग्रेस ऑन डे वन चली गई, मतलब डे वन पे तो क्या जानी है, जानी तो रिपोर्टिंग पीरियड पर ही है। जब रिपोर्टिंग पीरियड आएगा तो हम भले जितना भी काम हुआ हो, ये बात मेरी बड़ी गौर से सुननी है, I am not concerned about the actual progress कि 27.8% हुई है, that is absolutely useless information, ऐमी बिला वजह की approximations है, फजूल information है। यहाँ पे अगर आपने percentages में बात करनी है तो आप कहें 50% काम हो गया पहली reporting period पे, अगर ये काम शुरू हो चुका है और खत्म नहीं हुआ और इसका 50-50 rule लगा हुआ है तो आप कहेंगे 50% प्रोग्रेस चली जाएगी इसकी। अब जनाब बाय द एंड ऑफ सेकेंड रिपोर्टिंग पीरियड वो काम खत्म हो ही जाएगा, हो जाएगा सक्सेसफुली, अगर हो गया तो हम उसको 50 और कर देंगे, मतलब 100% हो जाएगा। फर्ज करें नहीं होता, सेकेंड पीरियड में रिपोर्टिंग पीरियड में भी काम खत्म नहीं होता तो उसकी प्रोग्रेस क्या जाएगी, 50 ही जाएगी। पहले रिपोर्टिंग पीरियड में तो 50 इसलिए गई थी कि वो शुरू हो चुका है, दूसरे रिपोर्टिंग पीरियड में खत्म नहीं हो सका तो उसकी 50 ही जाएगी, 50 से ज्यादा नहीं जाएगी। तीसरे रिपोर्टिंग पीरियड में कहीं जाके वो खत्म होगा तो तब उसकी 100% प्रोग्रेस जाएगी। फिर आ जाती है ऐसी एक्टिविटीज जो तीन रिपोर्टिंग पीरियड की हैं, उसमें आप अपना रूल, अच्छा ये जो मैंने 50-50 का रूल बताया इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक भी बना सकते हैं, मतलब जिस तरह की आपकी जरूरत है। मतलब अगर तो कोई ऐसा काम है जिसके अंदर आप जो समझते हैं कि नहीं यार मेजर काम शुरू में होना है तो आप 70-30 का रूल भी लगा सकते हैं, या 30-70 का भी लगा सकते हैं, या कोई भी प्रोपोर्शन आप रख सकते हैं, 20-80 रख लें, व्हाटएवर आपकी मर्जी है, लेकिन इसके पीछे कोई रैशनल होना चाहिए। फिर मैं आता हूं जी, ऐसी एक्टिविटीज जो तीन रिपोर्टिंग पीरियड तक एक्सटेंड करती हैं उनके ऊपर हम तीन रेशोज भी लगा सकते हैं, 33-33-33 भी लगा सकते हैं। पहले रिपोर्टिंग पीरियड पे 33 जाएगी, अगले पे 66 हो जाएगी, उसके बाद जब तक कंप्लीट नहीं होता 66 ही रहेगी, मतलब कंप्लीशन इसकी तभी मिलेगी जब ये एक्टिविटी मुकम्मल हो।
ज्यादा से ज्यादा जो हमने देखा है वो 4 रिपोर्टिंग पीरियड तक की प्रोग्रेस इस तरह से जाती है। 4 रिपोर्टिंग पीरियड के लिए हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 25, 25, 25, 25, या कुछ और प्रोविजन रख लें आप। आप कहें 10, 10 और फिर जनाब 40, 40, या 10, 10, 30, 50, जैसे आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो कुछ भी सिलेक्ट करेंगे आप, ये स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान का काम है कि आपने प्रोग्रेस कैसे लेनी है एक एक्टिविटी की, और उसके हिसाब से आप उसकी अर्न वैल्यू को और प्लान वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। अब मेरा ख्याल है ये लॉजिक समझ आ गया होगा, आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आइडिया के साथ। अर्न वैल्यू मैंने कहा था कि जितना काम हो चुका है सिर्फ उस काम का बजटेड वैल्यू जमा कर लीजिए, आज तक की, आज तक जितने भी काम हो चुके हैं, आप जहां कहीं भी खड़े हैं, आज तक जितने भी काम मुकम्मल हो चुके हैं, या अगर आप 50-50 या कोई और रूल लगाए तो वट एवर उसके वो परसेंटेजेस भी बीच में डाल लें, तो जो भी टोटल बनेगा ये आपकी होगी अर्न वैल्यू। दिस वैल्यू यू हैव अर्न, यू हैड प्रॉमिस इन योर प्लान प्लान वैल्यू एंड नाउ यू हैव अर्न। अर्निंग कैन बी इक्वल टू प्लान, मतलब एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं ना हम कि जितना हमने प्लान किया उतना अर्न भी कर लेंगे, लेकिन हो सकता है ना कर सकें, और ये भी हो सकता है कि आपसे ज्यादा अर्न कर लें, मतलब आपने 8 एक्टिविटीज करनी थी आपने 10 कर ली है, ज्यादा काम कर लिया, तो दिस वुड गिव यू अ पॉजिटिव वेरियंस। फिर होती है जी एक्चुअल कॉस्ट, अब तक जितने भी काम हुए हैं उन पे ऑन ग्राउंड कितना खर्चा आ चुका है, इसको हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, इन शॉर्ट एसी कहते हैं इसको। तो ये 3 वैल्यूज है हमारे, पीवी, ईवी और एसी की, और इससे बीएसी भी मैं आपको बता चुका हूं, ईएसी भी मैंने कल बताया था कि ईएसी होता है कि अब करंट जहां पे भी मैं खड़ा हूं, मैं 3रे महीने, 4थे महीने, जहां भी प्रोजेक्ट में खड़ा हूं, इस वक्त तक की सूरत हाल को देखकर मेरा क्या ख्याल है प्रोजेक्ट अब कितने पैसों में खत्म होगा। तो लाजमी बात है कि अगर हम पीछे हैं, स्केड्यूल से पीछे हैं, या बजट ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। तो अब पैसों की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अगर कॉस्ट वेरियंस नेगेटिव है तो आपके पैसे जो बजट टोटल बजट है या बीएसी है उससे ज्यादा खर्च हो जाएंगे, या अगर आप ज्यादा तेज चल रहे हैं अभी तो आपके ज्यादा मतलब बचत कर रहे हैं तो हो सकता है आप कम पैसों में कर लें। ये जो आपका नया एस्टीमेट आएगा आज की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, दिस इज कॉल्ड एस्टीमेट एट कंप्लीशन, और वेरियंस एट कंप्लीशन है इन दोनों का फर्क। और इसमें याद रखिएगा बीएसी पहले रखना है, बीएसी माइनस ईएसी इज इक्वल टू वेरियंस एट कंप्लीशन। इसी तरह स्केड्यूल वेरियंस आपको पता ही है, कल आप लोगों ने मुझे बताया था पहले अर्न वैल्यू ही होगा, अर्न वैल्यू में से क्या माइनस करूं, अगर आपने स्केड्यूल वेरियंस निकालनी है तो अर्न वैल्यू में से प्लान वैल्यू माइनस होगी, अगर आपने कॉस्ट वेरियंस निकालनी है तो अर्न वैल्यू में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस होगी। वजह, क्योंकि जो काम किया है पैसा तो उसी पे लगा है ना, तो काम अगर कम किया है तो पैसा भी कम लगना चाहिए था, लेकिन आपने पैसा ज्यादा लगा दिया। तो वो कल एक जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, वो पीवी और एसी को रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। आप याद रखिएगा पीवी और एसी में कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। देखे ना आप, देखिए व्हाट इज कॉमन बिटवीन टू टर्म्स, बजटेड कॉस्ट इज व्हाट इज वेरिंग, आप इस तरह रख सकते हैं, इसका नाम है बजट कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, दूसरे का नाम है बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। सो व्हाट इज कॉमन, बजटेड कॉस्ट इज कॉमन, व्हाट इज वेरिंग, वर्क इज वेरिंग स्केड्यूल से परफॉर्म तक, इसका मतलब है कि ये स्केड्यूल का फर्क बताएगा। अभी जरा आप अर्न वैल्यू और एक्चुअल को कंपेयर करें, इसमें क्या क्या चीज कॉमन है, वर्क परफॉर्म इज कॉमन, सो वर्क परफॉर्म रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड व्हाट इज वेरिंग बजटेड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट, इसका मतलब है ये हमें बताएगा कॉस्ट की वेरियंस। ओके जी, ये तो हो गया, बाकी मैंने आपको कहा था ये इनकी जो अंग्रेजी है वही फॉर्मूले आप खुद पढ़ लीजिएगा, पीबी क्या क्या है मतलब है,
मैंने आपको बता ही दिया, ये जो मैंने शॉर्ट में बताया ना, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल, दिस सेज इट ऑल, पूरी बात यही है। और ये वही बात जो मैंने आपसे बोल चुका हूँ कि बीएससी का सबसे जो एस कर्व का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, कॉर्नर होता है, आखिरी डॉट जो है, आखिरी पीबी, दैट इज योर बीएसी विच इज बजट एट कंप्लीशन। अच्छा जी, स्केड्यूल वेरियंस भी आपने देख ली और कॉस्ट वेरियंस भी आपने देख ली, मगर अब एक बात और भी समझ लीजिए कि ये जो स्केड्यूल वेरियंस और कॉस्ट वेरियंस है, ये फिगर्स आ जाते हैं -40,000। मैंने शायद कल भी बात की थी, मैंने कहा जी अगर दो प्रोजेक्ट है, दोनों की नेगेटिव कॉस्ट वेरियंस आ रही है और एक की कॉस्ट वेरियंस है -5, एक की है -5 मिलियन, तो विच इज बेटर जी, हाथ खड़ा करें जी मुंतजर, बोले मुंतजर। सर कॉस्ट वेरियंस में जो सिर्फ 5 वाली वैल्यू बेटर है, जो 5 मिलियन है, इसका मतलब 5 मिलियन जो वैल्यू वो ओवर जा रही है उसमें। और क्या राय है जी, किसी और की कोई राय है जी? इन्होंने कहा कि -5 मिलियन इज वेरी बैड, इन दोनों के कंपैरिजन में -5 मिलियन जो है वो अच्छा नहीं है जी। और कोई? उबैद जी, उबैद बताइए। दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, एक की कॉस्ट वेरियंस आई है -5 रुपीज, एक किया -5 मिलियन रुपीज, दोनों माइनस में है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा ज्यादा बुरा है? यू बैड सर? सर सोच रहा हूँ ऑनेस्टली। ओके नोमान, मिक्स मिक्स आप में, आई एम सॉरी। कोई बात, कोई बात। नोमान, नोमान साथ खान सर, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जनाब जी, आपका क्या ख्याल? नहीं सर, मैं से सॉरी, इसको सही फॉलो नहीं कर पाया सर, सॉरी। ओके साथ सरचार, क्या बात है, कोई मतलब लगता है कोई अटेंटिव बैठे ही कोई नहीं हुआ। अच्छा जी जी शिराज जी बोलिए। शिराज साहब सर, -5 रुपीज इज बेटर देन -5 मिलियन रुपीज। जो लास्ट लाइन है, नेगेटिव सीवी इज ऑफन डिफिकल्ट फॉर द प्रोजेक्ट टू रिकवर। ओके चलें, मैं आपकी बात नोट कर लेता हूं। साथ सर, आप क्या कह रहे हैं? सर इसके अंदर, सॉरी सर पहले मेरा माइक कनेक्टेड नहीं था। सर इसके अंदर हम नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सर अमाउंट को देख रहे हैं। हम टोटल बजट ऑफ द प्रोजेक्ट देख के उसकी परसेंटेज वेरियंस देखेंगे तो उससे अंदाजा होगा कि कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है और कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सिर्फ हम फैक्चुअल या उस नंबर्स को देख के कि कितने पैसे वो उसके वेरी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। इन केस अगर उस प्रोजेक्ट का बजट जो है टोटल जो है वो अगर 1000 मिलियन का था, उसमें से अगर 5 मिलियन कर रहा है, तो हाउ मच परसेंटेज इट हैज वेरीड फ्रॉम द टोटल बजट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसको देख के हम नहीं कर सकेंगे, मेरा ये आंसर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मजे की बात ये है कि ये दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन, मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग होश में कितने हैं। ये याद रखिएगा कि वेरियंस का जवाब हमें कुछ नहीं बताता सवाय इसके कि ये अच्छी है या बुरी है। प्लस है तो अच्छी है, जीरो है तो ठीक है, माइनस है तो बुरी है, बस दैट्स अबाउट ऑल। अगर आपका ये ख्याल है कि एक 5 रुपए वाली वेरियंस है माइनस में और एक 5 मिलियन वाली है, तो 5 वाली ज्यादा अच्छी है, तो ये जवाब बिल्कुल गलत है। आपको कैसे अंदाजा हो गया जी 5 वाली ज्यादा अच्छी है? 5 वाली का बजट आपको पता है? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। उसका बजट अगर 1 रुपया हो
वो तो 5 गुना ज्यादा खर्च कर गया। वो जो 5 मिलियन वाला है उसका बजट था ही 5 मिलियन, फाइव ट्रिलियन था। 5 ट्रिलियन में से 5 मिलियन कोई बात ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। और यहां पे 1 रुपए को 5 रुपए, तो ये तो 5 गुना का फर्क पड़ गया। तो कहने का मकसद है कि जब तक आपके पास या तो मेन इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन करने के लिए सामने ना हो या आपके सामने रेशो ना हो, तब तक आप इस बात का फैसला नहीं कर सकते। द ओनली थिंग दिस वेरियंस कैन टेल यू इज प्लस है या माइनस है, बस दैट्स ऑल। सो टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की वेरियंस को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। डेफिनेट आंसर है ये, दो डिफरेंट प्रोजेक्ट की वेरियंसेस को, भले वो स्केड्यूल वेरियंसेस हो या कॉस्ट वेरियंसेस हो या वेरियंस एट कंप्लीशन हो, किसी वेरियंस को आपस में नहीं कंपेयर किया जा सकता। एक तो ये बात ध्यान निश्चित कर लीजिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें प्रोजेक्ट्स में लाजमी बात है, जो एपीएमओ चला रहा है या जो सीईओ वांट्स टू नो द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, किसी से तो बोलेगा ना, उसको कैसे फिर बताया जाए कि सारे प्रोजेक्ट की क्या सूरत हाल जा रही है। उसके लिए हमें वेरियंस हमारे काम नहीं आती। वेरियंस सिर्फ इंस्टेंटेनियस डाटा है, हमें यह बताया जाता है कि हम बुरे जा रहे हैं, अभी भी बुरे जा रहे हैं, अभी बुरे जा रहे हैं। और अगर एक ही प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है कि पहले हम 10,000 बुरे थे, अब 20,000 बुरे हैं। बट अगेन आई वुड से कि वो वैल्यू भी तो कॉमुलेट हो रही है, तो वो तो बढ़ेगी ना, 10, 20, 30 तो बढ़ेगी, वेरियंस भी बढ़ेगी। तो ये भी कोई बहुत जबरदस्त टूल नहीं है। लेट्स पुट सम सेंस इनटू इट। हाउ डू यू पुट सेंस इनटू इट इज, ये जो बच्चों वाला तरीका था ना, प्लस माइनस वाला, लेट्स गेट रिड ऑफ इट। ये बच्चे करते हैं, छोटा मासूम बच्चा पहली दूसरी क्लास का, वो कहते हैं 2, 4 में से 2 माइनस कर दो क्या आता है। ये बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ये उनको समझाने के लिए। आप बड़े हो गए हैं, मतलब आपको सीरियस जॉब दिया जा सकता है। आप ये बताइए, वो जो इन्होंने बात की सरकार ने परसेंटेज की बात की, मैं जाती तौर पर तो परसेंटेज के बहुत खिलाफ हूं, लेकिन मैं रेशो कहूंगा, रेशो कहूंगा। परसेंटेज भी रेशो के बाद ही निकलती है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी परसेंटेज निकल आती है। मैं परसेंटेज नहीं कहूंगा, मैं रेशो कहूंगा। यही दो वैल्यूज जिनका आपने डिफरेंस निकाला है, इनकी रेशो निकाल लीजिए। मिसाल के तौर पे, अगर काम जितना होना था उतना ही हुआ है तो ईवी और पीवी बराबर होंगे। तो अगर मैं ईवी ऊपर रखूं और पीवी नीचे रखूं और इन्हें डिवाइड कर दूं तो जवाब 1 आ जाएगा। 1 आइडियल है, 1 डिजायर्ड है, ठीक है जी, हर सूरत में डिजायर्ड 1 है। और अगर ईवी छोटा होगा और पीवी बड़ा होगा, तो ये मैं स्केड्यूल की परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा कि मेरा जवाब 1 से कम आ जाएगा। अंडर परफॉर्म कर रहा हूं, मतलब ये है, अंडर परफॉर्म करने का मतलब है कि मैं काम पूरा नहीं कर पा रहा। मैंने 10 काम करने से मैंने 8 किए, अंडर परफॉर्म कर रहा हूं। तो अगर मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूं, मेरा जवाब 1 से कम आएगा, मतलब 0 point something आएगा, 0.6 भी हो सकता है, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, वो 0 से 1 से कम आएगा। और अगर मैं ओवर परफॉर्म कर रहा हूं, मैं आगे हूं स्केड्यूल से, ज्यादा आगे जा रहा हूं, तो मेरा जवाब हमेशा 1 से ऊपर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनीथिंग 1 आर मोर देन 1 इज गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये तो है स्केड्यूल के हवाले से। और अगर कॉस्ट के हवाले से देखना है तो अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय, जी अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एनीवन, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज इक्वल टू अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय साथ खान सर, एक्चुअल कॉस्ट, वंडरफुल, अर्न वैल्यू बाय एक्चुअल, जबरदस्त। तो इसमें क्या हुआ कि एसपीआई और सीपीआई निकालने के लिए फिर ईवी ऊपर ही है, लेकिन नीचे
अगर स्केड्यूल है तो उसके लिए ए या ए अपना पीवी आ जाएगा, और अगर कॉस्ट है तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। और ये तो रटने वाली बात होगी, ना भी रटना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, आप खुद थोड़ी सी लॉजिक इस्तेमाल करें, यू कैन मेक योर ओन फॉर्मूला, यू डोंट इवन हैव टू रिमेम्बर इट। लेकिन अगर से कि आप कहते नहीं जी वो तो मार्क्स मार्क्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, तो पर ये याद रख लीजिए कि ईवी हमेशा पहले आता है वेरियंसेस में, सीबी और एसबी में, और अगर सीपीआई और एसपीआई की बात हो रही है तो ऊपर ईवी आता है, नीचे दूसरी वैल्यू आती है। ओके जी, ये एसवी एसपीआई सीपीआई ये हमने सब बातें कर ली। अब जरा देखिए, अब जब प्रोजेक्ट चलेगा, ये जो नजर आ रहा है आपको कॉस्ट बेस्ड लाइन, वो है जो काली लाइन है, पूरी काली लाइन शुरू से आखिर तक, दरमियान वाली लाइन, ये मेरी असल पीवी ये है, ठीक है जी। और जितने भी हफ्ते या महीने गुजर चुके हैं उनमें जो मैं एनालिसिस किया, डाटा इकट्ठा किया, तो पता चला कि अर्नड वैल्यू प्लान जो आपकी प्लान वैल्यू से कम आ रही है, और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज्यादा आ रही है। एक्चुअल कॉस्ट का अलग ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा, अर्नड वैल्यू का अलग ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा, प्लान का तो बना ही हुआ है। ये गालिबन मिस प्रिंट है, ये नीचे लिखा हुआ है अर्नड वैल्यू पीवी, अर्नड वैल्यू होता है ईवी, ठीक है जी, पीवी तो ये होता है प्लान वैल्यू, ये वाली लाइन। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये ड्यू डेट फर्स्ट में आज आप प्रोग्रेस दे रहे हैं, तो आज प्लान वैल्यू इस जगह पे थी, अर्नड वैल्यू इस जगह पे थी, और एक्चुअल कॉस्ट इस जगह पे थी। और इसी तरह अगर आप एक्चुअल कॉस्ट के सारे पॉइंट्स को जोड़ते आ रहे हैं तो उसका अलग एक कर्व बनना शुरू हो जाएगा, अगर आप अर्नड वैल्यू के डॉट्स को मिलाते आ रहे हैं उसका अलग एक कर्व बन जाएगा, और इसी कर्व को हम आगे प्रोजेक्ट करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉस्ट के हवाले से एस्टिमेट एट कंप्लीशन क्या होगा। लाजमी बात है अगर हम मतलब आप देखें ना, ये जो डिफरेंस है एसी से लेके पीवी तक, ये सारा ऊपर से नीचे तक, ये इतना पोर्शन, दिस इज शोइंग मी द कॉस्ट वेरिएंस। और स्केड्यूल वेरिएंस क्या है, ये वाली, ये स्केड्यूल वेरिएंस है, ठीक है जी। अर्नड वैल्यू सब में से कम है, इसका मतलब है दोनों सूरतों में हम बुरे हैं, अर्नड वैल्यू अगर दोनों से कम है तो इसका मतलब है कि हम दो स्केड्यूल में भी पीछे हैं और कॉस्ट भी ओवर स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन कॉस्ट वेरिएंस कहां से कहां तक है, अर्नड वैल्यू और प्लान वैल्यू के दरमियान का फर्क, क्योंकि ये नीचे है ये नेगेटिव है, अगर ऊपर होती तो पॉजिटिव होती। फिर जो कॉस्ट वेरियंस है उसको कतन प्लान से नहीं देखना, अर्नड वैल्यू से लेकर एक्चुअल कॉस्ट के दरमियान जो फर्क है ये पूरा, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट वेरियंस। और उसमें भी अर्नड वैल्यू नीचे है, जिसका मतलब हुआ कि हम कॉस्ट में भी ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई जी, ओके। और अगर आप देखें, अगर मैं कॉस्ट वाली लाइन को, ये इसका ट्रेंड बन गया, जो काली लाइन बनाई ना इसने, ये पिछले जितनी भी रिपोर्टें आई हैं उनसे एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ, यहां तक की आज तक की लाइन बन गई, ये तो बन सकती है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को जब मैं आगे की तरफ से कि अगली रिपोर्ट क्या आएगी ये गेस करने की कोशिश करूं, इसको कहते हैं कि आपने ट्रेंड को प्रोजेक्ट करके देखा और उससे अंदाजा लगाया कि अगले हफ्ते हम कहां खड़े होंगे, अगली रिपोर्ट में हम कहां खड़े होंगे, अंदाजा लगाया। तो एक आध पीरियड आगे गेस करना या प्रोजेक्ट करना इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। और अगर मैं पूरा एस्टिमेट एट कंप्लीशन निकालने की कोशिश करूं इसकी बेस के ऊपर, तो दैट वुड बी कॉल्ड फोरकास्ट। पहले वेरिएंस एनालिसिस हुआ, फिर ट्रेंड एनालिसिस हुआ, फिर हमने प्रोजेक्शन की,
और फिर फोरकास्ट निकल आया. दिस कैन हैपन टू स्केड्यूल एज वेल एज कॉस्ट. अब स्केड्यूल में देखिएगा, अगर ये लाइन स्केड्यूल वाला जो ईवी वाली लाइन है, ये यहां से जाती है, ऐसे जाती 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 जाती, 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 जाती इस जगह जाके मिलती है. फर्ज करें, आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर इस लाइन को मैं यहां से चलाऊं 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 चलाऊं, अगर इसके ऊपर हम चलते जाएं, तो ये तो कहीं इस जगह जाके शायद कंप्लीट होगी. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इस जगह, चलिए फर्ज करें इस जगह कंप्लीट होगी, इस जगह कंप्लीट हो तो हमारे प्रोजेक्ट का टाइम तो यहां पे खत्म हो जाता है. इसका मतलब है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड होगा. तो ये मेरा होगा टाइम का एस्टिमेटेड कंप्लीशन. ये जो अभी पहले वाला निकला हुआ है, ये एस्टिमेटेड कंप्लीशन है कॉस्ट के हिसाब से. टाइम के हिसाब से अगर हम एस्टिमेटेड कंप्लीशन निकालें तो वो आएगा टाइम में आएगा ना. अगर ये टोटल 12 महीने का प्रोजेक्ट है तो हम कहेंगे नहीं यार, 12 में नहीं 18 में होगा. 5 मिलियन का प्रोजेक्ट है तो कॉस्ट वेरियंसेस से निकलेगा, या कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के ट्रेंड से निकलेगा कि जनाब फर्ज करें ये 5 मिलियन के बजाय 7 मिलियन में कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट. तो जो पैसे की प्रोजेक्शन या फोरकास्टिंग है वो बेस्ड है एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, सॉरी हाँ एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर. और जो क्या कहते हैं टाइम के हवाले से आपकी प्रोजेक्शन है वो आएगी पीवी की वजह से. ठीक है जी, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये हमने गेस किया है, ये एग्जिस्ट नहीं करती. यहां तक बात समझ आ गई जी? प्लीज रेज हैंड्स. ये बातें जो मैंने समराइज की हैं ये इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड. अब मैं, ये बात तो हो गई, मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ आ गई है. एक चीज नहीं है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, बल्कि दो चीजें. एक तो ये है ईएसी निकालते कैसे, राइट. लेट अस से ओके, फर्ज करें आप आज पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं और फिगर्स ले लेते हैं. अगर आप कहते हैं तो पीवी है 50,000, ईवी है, मैं इस वक्त वी आर नॉट कंसिडरिंग ये कौन कितनी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि वो इसके अंदर ये जो 50,000 बना हुआ है उन एक्टिविटीज का टोटल है जो एक्टिविटीज इस पॉइंट तक होनी चाहिए थी. और हम कहते हैं कि जो असल ईवी आया है हमारा वो 40,000 है, मतलब 40,000 के बजट का काम हुआ है, 10,000 के बजट का काम कंप्लीट नहीं हो सका. और एक्चुअल कॉस्ट आपकी है 45,000, राइट. अभी जनरली स्पीकिंग, और इसका बजट एट कंप्लीशन, इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट है वो है 5 मिलियन. स्केड्यूल वेरियंस क्या बनी जी, कौन बताएगा व्हाट इज स्केड्यूल वेरियंस? जल्दी से रेज करें हैंड जी. साथ सर ये होगी ईवी माइनस पीवी, स्केड्यूल वेरियंस दे देगी हमें. इसका जवाब क्या आएगा सर? ईवी माइनस पीवी या माइनस 10,000 आ जाएगा सर. और कॉस्ट वेरियंस क्या होगी सर? इसमें हम कर देंगे इसको 40,000 डिवाइडेड बाय 50. डिवाइड नहीं है, वेरिएंस पूछ रहा हूँ. एक मिनट रुकें जरा, मैं वलीद से पूछता हूँ. वलीद, वलीद बताइएगा सर. माइनस 5,000 होगी. और फार्मूला क्या बनाया आपने? फार्मूला सर बनाया एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट. कौन सी वैल्यू सर? एस्टिमेटेड वैल्यू ना भाई, माइनस एक्चुअल कॉस्ट. ओ भाईजान आपने तो ईवी माइनस साइंस बदल दी सारी. अर्न्ड वैल्यू सर राइट. ओके, अब मुझे जरा एसपीआई निकालना है. लाजमी बात है कि ईवी डिवाइडेड बाय पीवी होगा. क्या जवाब आता है, कौन बताएगा जी?
शिराज साहब, ईवी डिवाइड बाय पीवी करके मुझे जवाब बता दें। ईवी डिवाइडेड बाय पीवी, पॉइंट एट सर, पॉइंट एट सर। और सीपीआई क्या होगा? ईवी डिवाइडेड बाय एसी, एसी ईवी डिवाइडेड बाय एसी सर, ये हो जाएगा पॉइंट एट ओवर नाइन, एट ओवर नाइन करके देना मुझे सर। एट ओवर नाइन क्यों कर रहे हैं आप सर? सॉरी, 40/45 सॉरी, ईवी ओवर एसी 0.89 बनेगा सर। तो आप ये देख सकते हैं कि जहां स्टैंडर्ड वेरिएंस माइनस में आ रही है वहां हमारा एसपीआई 0.8 आ गया, -10,000 0.8 आ गया, -5,000 0.89 आ गया, राइट। और अभी मैं आपसे ये कहता हूं कि लेट अस फाइंड एस्टीमेट एट कंप्लीशन। अब जरा थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है, उबैद आपकी तरफ आ रहा हूं, अपनी कॉमन सेंस तैयार रखिएगा जनाब। एस्टीमेट एट कंप्लीशन, आज की तारीख, इस वक्त पहला हफ्ता गुजरा है प्रोजेक्ट का और अभी आपकी परफॉर्मेंस 0.8 जा रही है, जितना काम होना था आपने 0.8 किया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि कॉस्ट की बात करते हैं, 0.89 जा रही है, आप ये बताइए कि पैसा कितना खर्च होगा टोटल, ईएसी क्या होगा? अगर यही ट्रेंड कायम रहा, आपने ऐसे ही खर्चे किए, तो कितना पैसा खर्च होगा? थोड़ा सा सोच के सर, 44,500 0.89 मल्टीप्लाई बाय प्लान वैल्यू, प्लान वैल्यू क्यों, व्हाई प्लान वैल्यू, व्हाट इज योर सर? वो इसलिए बजट एड कम, हमारा प्लान पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट एक्चुअल हमने किया है वो होना चाहिए, बिलीव उससे तो निकल आया जो निकलना था, एसपीआई सीपीआई एसवीसीबी निकल आया। अब मुझे बताएं पूरा प्रोजेक्ट कितने पैसों में कंप्लीट होगा? ये 5 मिलियन है ना सर, 5 मिलियन इनटू 0.89, यस 5 मिलियन इनटू 0.89। आप बताएं, मैं वो हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, करके दिखा रहे हैं मुझे, जो आप बताएं मुझे जी, 0.89 सर, ये 4.45 मिलियन बनता है सर जी। मुझे ये बताइए, यू आर गोइंग बिहाइंड स्केड्यूल, सॉरी यू आर ओवर स्पेंडिंग, 0.89 का मतलब है यू आर ओवर स्पेंडिंग, राइट। तो इसका मतलब है कि जहां 40,000 का काम किया 50,000 खर्च किए, तो 5 मिलियन का काम आप 4.5 में कर लेंगे, ये कैसे होता है? ये तो आपने कम कर दी कीमत सर, ये मतलब मल्टीप्लाई मैं डिवाइड करूंगा इससे, तो ये 5.6 दैट इज ऑलमोस्ट, सो द फार्मूला इज ईएसी, जनरल फार्मूला इज बीएसी डिवाइडेड बाय सीपीआई, बीएसी डिवाइडेड बाय सीपीआई, 0.89 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6 मिलियन के करीब आ जाएगा, कुछ 5.6। क्या ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई? Everybody is with me. जी, सब गुम हो गए हैं, सख्त परेशानी का आलम है। मुंतजिर मेरे साथ है, नुमान, बलीद, कुछ समझ नहीं आया आपको? आर यू कंफ्यूज? नहीं, ठीक हो गया। और कौन है जी? साथ खान, बोलिए जरा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं समझ आया? नहीं सर, वो ठीक है,
बीपीएन प्रिंसिपल समझ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब कर रहे हैं सर, ठीक है सर, साथ चल रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक और आसान तरीका भी कर सकता हूँ। अगर आप 40K का काम 50K में करते हैं, ठीक है सर, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, 40K के ऊपर 45 खर्च करते हैं, 40K ऊपर 45 खर्च करते हैं, तो 5 मिलियन पे कितना खर्च करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें। राइट सर, ये रेशो वाला जो, ठीक हो गया सर, ये जवाब आ जाएगा आपका। आप देखें ना क्या वैल्यूज क्या है, 40 क्या है, 40 है सर, 40 हमारे पास है अर्न वैल्यू, ईवी, ईवी से डिवाइड करने, एक मिनट, 5 मिलियन × 45 है ना, 5 मिलियन क्या था, डी ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी डिवाइडेड बाय ईवी, ऐसे ही बना, ये 5 मिलियन बी ए सी है मल्टीप्लाइड बाय 45 जो कि ए सी है डिवाइडेड बाय 40 जो कि ईवी है, ऐसे ही है sir. ऐसे ही है, और क्या निकलेगा, बिल्कुल ई ए सी इज इक्वल टू बी ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए सी डिवाइड बाय ईवी। ये ए सी डिवाइड बाय ईवी कौन सा फार्मूला है, ये सर सीपीआई का ऑपोजिट है, मतलब एग्जैक्टली बाय ए सी होता है, एग्जैक्टली दिस इज 1/CPI, बन sir, गया ना सर, बन गया ना फार्मूला सर, सर जी आप बताइए, एवरीबॉडी इज हैप्पी विद इट, आगे चलूं, अब आपको ये चीज समझ आ गई है। अब द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इसके अंदर बहुत सी वेरिएशंस पॉसिबल हैं। ये तो सबसे बेसिक फार्मूला है, ये उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब पीछे एक ही ट्रेंड हो हमारे पास और हमें उम्मीद हो कि यही ट्रेंड आगे चलेगा, लेकिन इंटरप्रेट करने के तरीके डिफरेंट है। एक तो ये तरीका है कि जो अभी तक करते आए हैं वही आइंदा भी करेंगे, तो ये जवाब आ गया, और ये काफी जिसे कहते हैं ना फेयरली गुड गैस है, मगर मुझे इस पे थोड़ा एतराज है, लेकिन हम एतराज पे बाद में आते हैं, पहले हम और तरीका निकालते हैं। हम कहते हैं कि गलती हो गई अभी तक जो हो रही थी, पहले 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 प्रोग्रेस रिपोर्ट आई, इसमें हमने गलती अपनी पकड़ ली, हमने कहा ओहो हम तो 5,000 रुपया ओवर स्पेंड कर रहे हैं, और हमने वादा किया कि आइंदा हम कोई चीज ओवर स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है जी, जो कि बड़ा नामुमकिन सी बात है, एक हफ्ते में आप इतना ज्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हैं और आप अभी ये एकदम शरीफ हो गए, मुसलमान हो गए, अब तो मैं नहीं, अब मैं नहीं करूंगा, वेरी इम्पॉसिबल। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि आज के बाद जो खर्चा होना है उसको कहते हैं एस्टिमेट टू कंप्लीट, अभी तक जो खर्चा हो गया वो तो एसी है ना, आज की तारीख तक जो खर्चा हो गया वो तो एक्चुअल कॉस्ट है, अब के बाद जो खर्चा होना है उसको कहते हैं एस्टिमेट टू कंप्लीट, और अगर एसी को और एस्टिमेट टू कंप्लीट को जमा कर लिया जाए तो ये ईएसी बन जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं एक मिनट जरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, ओके फर्ज करें ये टोटल काम था, इतना काम हो गया, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये टोटल जो था ये बीएसी है ये आखिर तक, लेकिन जो हाँ जी, और हमने हमें नहीं पता कि और कितना जाएगा, हम एस्टिमेट एट कंप्लीशन निकालना चाह रहे हैं, लाजमी पता ज्यादा ही होगा। अब मैं कहता हूं कि एसी तो जो खर्च हो गया सो हो गया, लेकिन जो बाकी है ईटीसी ये बजटेड वैल्यू ही होगी,
इसका मतलब है अगर आपने 5000 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च किया है तो 5000 रुपया ही एक्स्ट्रा आएगा एंड तक। इसका मतलब है 5,000,000 रुपीज में ये काम हो जाएगा। ये बड़ी विशफुल थिंकिंग है कि जो बंदा अभी तक गलती कर रहा है वो कैसे क्लेम कर सकता है आइंदा गलती नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी इस ये भी एक तरीका हो सकता है कि EAC इज इक्वल टू AC प्लस ETC एस्टिमेट टू कंप्लीट एज्यूमिंग दैट ETC वुड बी इक्वल टू वट एवर द बजटेड वर्थ इज। ओके, अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या होगा? अगर जो ट्रेंड आगे चलना है, अच्छा आप एक और चीज सोचिए, फर्ज करें कि मैं छठे महीने की रिपोर्ट पे हूं, छठे वीक की रिपोर्ट पे हूं, पहले हफ्ते मेरा जो सीपीआई आया था 0.8 आया था, दूसरे हफ्ते वो 1.2 आ गया, फिर 0.9 हो गया, फिर 1.1 हो गया, फिर वो 1 हो गया, फिर 0.7 हो गया, मतलब ये कि फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो मेरा करंट सीपीआई है उसके हिसाब से मैं ईएसी निकाल देता हूं? भाई आपका ईएसी तो स्टेबल ही नहीं है, वो सीपीआई जो है वो तो स्टेबल ही नहीं है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है नीचे जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। तो आप आज की रिपोर्ट अगर अच्छी है और आज के हिसाब से आप ईएसी कैलकुलेट करेंगे वो तो यही दिखाएगा कि प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट कम पैसों में खत्म हो जाएगा, विच मे नॉट बी ट्रू बिकॉज आपका तो बिहेवियर ही स्टेबल नहीं है। तो ये जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर का कुछ निचोड़ निकाल के, कुछ एवरेज निकाल के कोई इस तरह की वैल्यू लेनी चाहिए मुझे कमुलेटिव सीपीआई के तौर पे, कि जिसको मैं ये रिमेनिंग वर्क के ऊपर डिवाइड करूं, बकाया काम पे सिर्फ करूं, पूरे बीएससी पे ना करूं। पहला फार्मूला तो नहीं पढ़ा था ना, बीएससी डिवाइडेड बाय सीपीआई। अब मैं कह रहा हूं कि बीएससी नहीं बल्कि ईटीसी निकालने के लिए, ईटीसी निकालने के लिए आप कहें कि रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय सीपीआई या सीपीआई सी। अच्छा, सीपीआई वाला फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है और ये रिमेनिंग वर्क, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं सीपीआई पे बाद में आता हूं। रिमेनिंग वर्क क्या है? टोटल वर्क था बीएसी, उसमें से अब तक जो हो चुका है, जो काम हो चुका है, मैं एक्चुअल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, हाउ मच वर्क हैज बीन डन, अर्नड वैल्यू हैज बीन डन, राइट? बीएसी में से अर्नड वैल्यू निकाल दें तो रिमेनिंग वर्क आ जाता है। तो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू बीएसी माइनस अर्नड वैल्यू। इस पूरे को अगर मैं सीपीआई से डिवाइड कर दूं, मतलब बकाया काम को अगर मैं सीपीआई से डिवाइड कर दूं और उसमें एसी जमा कर दूं तो ईएसी आ जाएगा। जी जी, परेशानी कहां पहुंची आप लोगों की? जी जनाब, घूम गए? जी वलीद, समझ आ रहा है कि नहीं? जी सर, समझ आ रहा है। सर आपने ये कहना है बीएसी माइनस ईवी डिवाइड बाय सीपीआई जब होगा तो वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी, उसको हम फिर ऐड कर देंगे। नहीं, एक्चुअल कॉस्ट नहीं होगी, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, वो ईटीसी, ईटीसी निकलेगा जी, ईटीसी निकलेगा, ईटीसी। रिमेनिंग वर्क पे मैं जब सीपीआईसी का फैक्टर लगाऊंगा, सीपीआई का फैक्टर लगाऊंगा तो उससे मेरा रिमेनिंग ईटीसी निकल आएगा। ईटीसी ये निकल आया है और एक्चुअल कॉस्ट जो अब तक खर्च हो चुकी है, एक्चुअल कॉस्ट जो अब तक खर्च हो चुकी है, अगर मैं अब तक खर्च हुए पैसे को और मजीद जो पैसा खर्च होना है उसमें जमा कर दूं तो मेरा ईएसी निकल आएगा, ऐसे ही होगा, राइट? अच्छा, एक तो तरीका यह है कि इसे सीपीआई से डिवाइड कर दिया जाए, मगर यहां मसला वही रहेगा कि सीपीआई तो आज की तारीख वाला होगा, व्हाट अबाउट पुराने सीपीआई का इंपैक्ट कैसे डाला जाए? उसके लिए
कुछ लोग कहते हैं कि सारे सीपीआई की एवरेज ले लो, विच आई डोंट एग्री. रीजन बीइंग के सारे सीपीआई की जो पहली बात यह है कि वो जो कम्युलेटिव वैल्यूज हैं पीवी ईवी और एसी, ये कम्युलेटिव वैल्यू है. जब उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जब सीपीआई या एसपीआई निकालने के लिए उसे डिवाइड करते हैं, तो उसका कम्युलेशन फैक्टर टूट जाता है. अब वो सिर्फ एक रेशियो आ गई है, राइट. अब इन रेशियो से आप करना चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, लेकिन दैट डज नॉट गिव अ वेरी एक्यूरेट आंसर. इसका तरीका सीपीआई सी अगर निकालना है, ये किताब में नहीं दिया हुआ, मगर ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है. अगर आप सीपीआई नहीं लगाना चाहते और कम्युलेटिव वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो दैट वुड नॉट बी द एवरेज ऑफ ऑल सीपीआई, रादर इट विल बी सिग्मा ईवी बाय सिग्मा एसी. मतलब सारे ईवीज को जमा कर लें आज तक, सारे एसीज को जमा कर लें आज तक के, और जो भी टोटल फिगर्स आते हैं सिग्मा ईवी वाले टोटल फिगर के नीचे को डिवाइड कर दें सिग्मा एसी वाले फिगर से, एक आपके पास सीपीआई सी की वैल्यू आ जाएगी, कम्युलेटेड सीपीआई की वैल्यू आ जाएगी, विच विल बी परफेक्ट. अगर इस वैल्यू से मैं अपना रिमेनिंग वर्क जो कि बीएसई माइनस ईवी है वो डिवाइड कर दूं, तो मुझे बकाया काम के पैसे आ जाएंगे, ईटीसी निकल आएगा. अगर ईटीसी में एसी जमा कर लूं तो मेरा ईएसी निकल आएगा. गॉट इट जी? हाँ जी शिराज साहब, परेशानी? गॉट इट सर, गॉट इट सर. वी आर मूविंग क्लोज टू द परफेक्शन, बट स्टिल वी कैन नॉट से दैट इट इज 100%. वो जो रिमेनिंग, इट इज स्टिल एन एस्टीमेट, बट इट इज क्लोज टू द आइडियल. ये बेहतरीन नीचे अभी, ये तो जबरदस्त एस्टीमेट है ना. मेरा मतलब है कि जी हाँ सर, वो एक तो मैंने जो आपने बताया सर, एक तो मैंने कहा कि आप ये करें, आप कहें यार जो पैसे बजट में लिखे हैं ना बकाया, बस वही होंगे. मतलब आपने वो फैक्टर लगाया ही नहीं सीपीआई का. एक तो ये तरीका है जी सर, वो सीपीआई का फैक्टर लगाया ही ना जाए और ये प्रॉमिस कर लिया जाए अब मैं गलती नहीं करूंगा. दूसरा ये है कि सीपीआई का जो आज का फैक्टर है वो लगा दें रिमेनिंग वर्क के ऊपर, तो आपका जवाब आ जाना चाहिए. लेकिन मैंने कहा कि पिछले सीपीआई तो स्टेबल नहीं रहे, अगर मैं सीपीआई सी वाली पॉलिसी पे चलूं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा बेटर स्टैटिस्टिकल कोई तरीका हो सकता है. जी हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, ये सबसे बेस्ट है और यहाँ तक सर इक्वेशन समझ आ गई है सर. अच्छा, अब यहाँ बात खत्म नहीं, और मैंने ये बता दिया कि सीपीआई सी वाला तरीका किताब में नहीं दिया हुआ, पहले होता था फोर्थ एडिशन में, फिफ्थ एडिशन में, अब इन्होंने उसको आजाद छोड़ दिया है. उन्होंने कहा थोड़ी मर्जी, जो मर्जी करो, जिसके जो दिल में आता है करे, अपने प्रोजेक्ट की जरूरत को देखे, उसके हिसाब से किस एक्यूरेसी लेवल पे जाना है वो चला जाए. और भी इसने बहुत सारे फार्मूले यहाँ दे दिए और साथ बता दिया है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो ये कर लेना, ऐसी हो तो ये कर लेना, थोड़ी मर्जी. ये आपने डिसाइड करना है कि हमने करना क्या है. ठीक है जी, अब मैं आपको वो फार्मूले दिखाता हूँ. फोरकास्टिंग मैंने आपको बता दी क्या चीज होती है, ये देखिएगा जरा. कहता है ईएसी फोरकास्ट फॉर एस्टिमेट टू कंप्लीट, ये निकालना हो तो ये एक सिंपल फार्मूला उसने ये दे दिया, ईएसी इज इक्वल टू एसी प्लस बीएसी माइनस ईवी. इसको सीपीआई से डिवाइड नहीं किया, नहीं किया, इसका मतलब है कि बस जितना काम बाकी है उसका जो बजट है वो उतना ही लगेगा, वो ज्यादा काम नहीं लगेगा. लेकिन अब तक जो गलती हो चुकी है वो ईएसी में आ गई है, मतलब 5,000,000 में अब ये प्रोजेक्ट ईएसी ये आ जाता है इसका. फिर उसने कहा कि अगर पूरे प्रोजेक्ट पे एक ही वैल्यू लगानी है आज ही की, तो उसका तो आसान तरीका है कि बीएसी डिवाइडेड बाय सीपीआई कर लिया जाए, ये भी हो सकता है. ये कहते हैं ईएसी फोरकास्ट फॉर ईटीसी वर्क परफॉर्म्ड एट द प्रेजेंट सीपीआई, आज के सीपीआई के मुताबिक. अच्छा, फिर एक और भी ड्रामा किया है, वो कहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि सीपीआई और एसपीआई दोनों इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके फ्यूचर के ऊपर,
सीपीआई और एसपीआई की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उसको रिमेनिंग वर्क से डिवाइड कर दें। और अगर आप समझते हैं कि नहीं 80% इफेक्ट सीपीआई का है और 20% इफेक्ट एसपीआई का है, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि 0.8 सीपीआई इंटू 0.2 सीपीआई, 0.8 सीपीआई प्लस 0.2 सीपीआई, इससे डिवाइड कर दें आप अपने रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क क्या है? बीएसई माइनस ईवी। तो यहां पे दो फार्मूले हो गए, एक सीपीआई इंटू एसपीआई से डिवाइड कर दें, ये सीपीआई प्लस एसपीआई नहीं किया, सीपीआई इंटू एसपीआई किया, ठीक है। लेकिन अगर इनके दरमियान कोई रेशियो है 80-20, 50-50, 50-50, तो इसमें ग्रेटर हो जाएगी सीपीआई इंटू एसपीआई में। लेकिन अगर 80-20 है तो फिर हम क्या करेंगे, हम 0.8 इंटू सीपीआई प्लस 0.2 इंटू एसपीआई, ये जो जवाब आएगा इससे। मगर मैं जाती तौर पे आई एम नॉट रियली वेरी हैप्पी विद दिस फार्मूला, एसपीआई को इधर डालने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहा है, कहता है इन दिस फोरकास्ट ईटीसी वर्क विल बी परफॉर्म एट एन एफिशिएंसी रेट दैट कंसिडर बोथ कॉस्ट एंड स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडाइसेस। दिस मेथड इज मोस्ट यूजफुल व्हेन प्रोजेक्ट स्केड्यूल इज अ फैक्टर इंपैक्टिंग द ईटीसी एफर्ट। बात समझ आई? अगर तो आप ये समझते हैं कि स्केड्यूल एक मेजर फैक्टर है जो आपके ईटीसी को इंपैक्ट करेगा, जो कि होना नहीं चाहिए लेकिन अगर करेगा, तो फिर आप ये फार्मूला या वो जो रेशो वाला फार्मूला है वो इस्तेमाल कर सकते, 0.8-0.2 वाला वो फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते। और ये आप देख सकते हैं यहां काफी सारे। अच्छा, फिर उसने एस्टिमेट ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। ईटीएसी ये है एस्टिमेट ऑफ टाइम एट कंप्लीशन। अब जरा ये सोचिए, फर्ज करें ये सारा प्रोजेक्ट जो था ये 12 महीने का था, राइट, गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, ये सारा प्रोजेक्ट 12 महीने का था। पहले महीने की रिपोर्ट में आपका एसपीआई, एसपीआई पे आ जाइए अभी क्योंकि टाइम की बात हो रही है ना, आपका एसपीआई 0.8 आ गया था। अब आप जरा सोच के बताइए, आपके ख्याल में अब ये प्रोजेक्ट के टोटल कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? पहले तो 12 महीने लगने थे, अब कितना टाइम लगेगा? जी मुझे पता है आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं, कौन बताएगा? एसपीआई 0.8 है और आपकी जो एस्टिमेट ऑफ क्या कहते हैं, एस्टिमेट ऑफ टाइम एट कंप्लीशन जो इस वक्त है, करंट जो आपका वो है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, वो है 12 महीने। मैं पूछ रहा हूं कि अब आपके ख्याल में ये कितने महीने में कंप्लीट होगा? पहले तो ये डिसाइड कर लें कि कम में होगा कि ज्यादा में होगा। जी इसका जवाब दे दें मुंतजिर। 0.8 सीपीआई है, मुंतजिर बताएंगे, 0.8 सीपीआई है इस वक्त, 12 महीने का प्रोजेक्ट है, अब ये लेट होगा कि जल्दी हो जाएगा? जी मुंतजिर प्लीज, टाइम नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा। सर एक दफा रिपीट करें आप क्वेश्चन क्या? मैंने कहा कि एसपीआई की वैल्यू निकली है 0.8, ओके 0.8। प्रोजेक्ट ये 12 महीने में, ये स्केड्यूल था ये 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी की परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका क्या ख्याल है ये कितने महीनों में खत्म हो पाएगा? सर ये 12 से ज्यादा, 12 महीनों से ज्यादा टाइम लेगा ये तो श्योर है। अब हम 12 डिवाइड, 12 डिवाइड बाय क्या कह रहे हैं, अगर 0.8 करते हैं तो उससे तो 15 आता है आंसर। बिल्कुल ठीक है, यही जवाब है। ये सिंपलेस्ट तरीका है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का, मगर ये अप्रोक्सीमेट तरीका है। मैं उसकी वजह भी बताता हूं ऐसा क्यों है। असल में हम ठीक है, इसे अंदाजा जरूर हो गया कि 15 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम, आपको पता है एक्स एक्सिस पे टाइम चल रहा था, वाई एक्सिस पे कॉस्ट चल रही थी। आप गलती ये कर रहे हैं,
कि आप एक्स एक्सिस पे ही टाइम निकाल रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? आप ड्यूरेशन एक्स एक्सिस पे है 12 महीने, उसको आप एसपीआई से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बुनियादी तौर पे आपने स्केड्यूल वाला कोई काम नहीं किया, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन आपने जरूर निकाल लिया। अभी मैं आपको बताता हूं कि मेरा ख्याल है उस डायग्राम पे वापस चलते हैं, ये जो हमने पीछे देखा था, इसके ऊपर, इसके ऊपर हम करते ये हैं। ओके राइट ओके, इधर से प्रोजेक्ट करके देखते हैं, ये आपका अर्न वैल्यू है और ये आपकी प्लान वैल्यू है, राइट। अब मैं इस लाइन को अगर ऊपर चलाऊं, ये देखिएगा जरा, इसको मैं आगे की तरफ चला रहा हूं और ये जा रही है। काम कितना होना कितना चाहिए था, जो हमारा प्लान के मुताबिक इतना काम होना चाहिए था ना, हम इतने पे हैं। आप ये देखिए कि आपकी प्रोजेक्टेड लाइन अर्न वैल्यू की जा रही है, वो इसके बराबर कब आती है, इस पॉइंट के ऊपर। समझ आई? मैंने ये कहा अर्न वैल्यू को भी प्रोजेक्ट कर दें आगे की तरफ, प्रोजेक्शन बना दी उसकी आपने। अब आप ये कीजिए कि जितनी प्रोग्रेस इसकी आज की तारीख में होनी चाहिए थी, उतनी प्रोग्रेस जिस पॉइंट पे हो रही है, स्ट्रेट लाइन लगाएं उसको आगे, जिस पॉइंट पे हो रही है उसके ऊपर निशान लगा लें, राइट ओके। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापा जाए, इतना डिले काज होगा, ठीक है। अगर इतना डिले, अब गौर कीजिएगा मेरी बात, अगर इतने पैसे के ऊपर इतना डिले काज होता है तो पूरे बीएसी के ऊपर कितना डिले काज होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? ये वही जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, मैंने कहा कि फर्ज करें ये जो ये डिफरेंस क्या था हमारा, ये स्केड्यूल वेरिएंस जो था, स्केड्यूल वेरिएंस था हमारा क्या था, 50,000 था कि 45,000 था, सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूं, ये जो स्केड्यूल वेरिएंस है, हाँ ठीक है ठीक है, ये मैं ठीक कर रहा हूं, ये थी जी से कि 5,000, 5,000 ये है, और इधर से आपको ये मेयर करना पड़ेगा किसी स्केल के तहत, ये ऐसे नहीं पता चलेगा। तो ये आप मेयर कर लीजिए कि ये यहां से लेके यहां तक ये तकरीबन कितना टाइम बनता है, फर्ज कर लेते हैं कि ये बनता है 2 महीने का, 2 मंथ का टाइम बनता है। तो इसका मतलब है 5,000 का 5,000 का काम हम 2 महीने के डिले से करते हैं, तो टोटल काम कितने के डिले से करेंगे, कुछ सेंस बन रही है कि नहीं बन रही? ये चीज भी पीएमबीओके में नहीं दी हुई है। मैंने 2 तरीके आपको बताए, एक तो आसान तरीका था, उसमें हमने कहा जी ड्यूरेशन को आप एसपीआई से डिवाइड कर दें, कहानी खत्म, इतना भी काफी है। लेकिन अगर आप ज्यादा ग्राफिकली इसको करना चाहते हैं तो आप बकायदा उसको प्लॉट करके करते हैं, ट्रायंगुलेशन करके, और उससे आप निकालते हैं कि आप पूरे प्रोजेक्ट पे एग्जैक्टली कितना पैसा लगेगा। जैसे मैंने आपको सीपीआईसी वाला फॉर्मूला बताया था, वेरी एक्यूरेट, इस तरह ये ग्राफिकल मेथड है एंड इट इज ऑल्सो वेरी एक्यूरेट। समझ आया है कि नहीं आया? मुझे पता है आप लोग निहायत कंफ्यूजन के आलम में इधर देख रहे हैं। जी बताइए, आगे जाऊं कि ना जाऊं? ओके, एक आखिरी फॉर्मूला और देख लेते हैं। ये तो हो गया, ये हो गया, फोरकास्टिंग का काम हो गया। एक चीज उसमें और आती है, उसको कहते हैं टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इधर आगे आएगा, TCPI कहते हैं इसको, टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जी
अच्छा अगर ये पिछली स्लाइडों में आप देखें तो आपको वो सारे फार्मूले मिलेंगे, वो जो मैं बता रहा था आपको, बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे। ये देखें एक मिनट, ये आप देख रहे हैं ये वाला, एक मिनट यहाँ भी रुकेगा। ये देखें 0.8 सीपीआई प्लस 0.2 सीपीआई, ये वो वाला फार्मूला है। ये दसवां, ये कोई 10, 11, 12, 13, 14 डिफरेंट सिचुएशंस के फार्मूले हैं, और ये तो पुरानी किताब में होते थे, लेकिन अभी इसके बाद हमने एक दफा एक रिसर्च की थी और उसमें वी एक्सप्लोर्ड 40 डिफरेंट वेज, 40 मुख्तलिफ तरीके हमने निकाले थे जिससे आप एस्टिमेट एट कंप्लीशन निकाल सकते हैं। खैर उसको छोड़ दें, वो इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, हमने कोई रिसर्च पेपर थोड़ी लिखना है। अच्छा टीसीपीआई की तरफ आते हैं जी। टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब है कि मैं प्रोजेक्ट के दरमियान कहीं खड़ा हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, या रिसोर्सेज को किस तरह से, हाउ मच प्रेशर शुड आई पुट ऑन द रिसोर्सेज। टीसीपीआई है टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स, अभी तक काम कंप्लीट करने की परफॉर्मेंस क्या रही है और हमें आगे क्या चाहिए। इसका एक बड़ा सिंपल सी बात है, वो कहता है वर्क रिमेनिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट रिमेनिंग, काम जो बचा है, जो बकाया काम है, डिवाइड कर दें बकाया पैसा जो बचा है। समझ आया कुछ? इफ यू कैन डिवाइड द वर्क रिमेनिंग बाय द कॉस्ट रिमेनिंग यू विल गेट टीसीपीआई। अब मैं सिंपल जुबान में बताऊं, इफ द वर्क रिमेनिंग इज इक्वल टू कॉस्ट रिमेनिंग द आंसर विल बी 1, दैट इज गुड एनफ, दैट मीन्स वी आर एग्जैक्टली ऑन डॉट, वी आर एग्जैक्टली ऑन डॉट, कि हमारे पास जितना काम है उतना ही पैसा पड़ा हुआ है, हो जाएगा, वंडरफुल। अगर वर्क रिमेनिंग ज्यादा हो और कॉस्ट रिमेनिंग कम हो, ये आपका जवाब 1 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहां पर 1 से ऊपर जाना अच्छा शगुन नहीं है। क्यों? क्योंकि काम ज्यादा है, पैसे कम है, और टीसीपीआई 1 से ऊपर आ रहा है। 1 से ऊपर आने का मतलब है कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज के ऊपर जोर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर डालना पड़ेगा। ये काम कंप्लीट करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। और अगर वर्क रिमेनिंग कम हो और पैसा ज्यादा हो, आपका जवाब 0 point something में आएगा, ये अच्छी बात है, क्योंकि काम के लिए जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा पैसा अवेलेबल है, तो हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसमें 0 वाली वैल्यू जो है वो अच्छी है, जितनी कम हो वैल्यू 0.1, 0.2 उतना अच्छा है। 0 जो 1 है वो सोचो है, और 1 से ऊपर खतरनाक है। तो मतलब ये है कि अगर आपकी टीसीपीआई की वैल्यू 1 या 1 से ऊपर आती है, बल्कि 1 तो ठीक है, 1 से ऊपर आती है, तो आप कहते हैं जी मुझे अब जरा आंखें खोल के बैठना पड़ेगा, मुझे रिसोर्सेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं कोई वेस्टेज एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, हमें परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए और हमारे पास रिसोर्सेज कम है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका जवाब 1 से नीचे आ जाता है, सॉरी हाँ ठीक है, अगर 1 से नीचे आ जाता है, उस सूरत में वी कैन सिट बैक एंड रिलैक्स बिकॉज वी हैव एनफ मनी। बात समझ आ गई जी? बस जी कॉस्ट को मैं यही खत्म करता हूं, जो मैं सब आपको अब दिखा देता हूं कॉस्ट के, जो कॉस्ट कंट्रोल बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें से निकलता क्या है? वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन निकलती है, कोई वर्क परफॉर्मेंस डाटा आता है, प्रोसेस होता है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन निकलती है, फोरकास्ट भी निकलती है। आपको याद होगा स्केड्यूल में भी आउटपुट में फोरकास्ट निकली थी, स्केड्यूल फोरकास्ट, चेंज रिक्वेस्ट है, प्रोजेक्ट एंड प्लान अपडेट होता है, डॉक्यूमेंट अपडेट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट अपडेट होते हैं, ये सब कुछ वही है जो स्केड्यूल वाला था। राइट जी, दिस आर कॉस्ट वाला चैप्टर, और अभी मैं आपको ले चलता हूं
क्वालिटी के जर्नी पे। अगर आप छोटा सा वक्फा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वो जो ब्रेक हमने 8:30 करनी थी वो अभी कर लीजिए, 10 मिनट्स ब्रेक कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूं। जी जनाब, आई एम बैक। आप लोग आ गए हैं सारे, प्लीज रेज हैंड्स। जी ठीक है जी, मुझे लगता है अजीब अकील साहब ने आज आने ही नहीं है, अभी तक तो उनके कोई आसार नहीं है। अच्छा जी, राइट जी, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, लाजमी बात है कि सिर्फ प्रोजेक्ट ही के लिए नहीं, क्वालिटी तो बजाते खुद एक बड़ा ह्यूज सब्जेक्ट है, और इवन ऑपरेशंस में और हर चीज में, हर हर जगह प्रोसेसेस होती हैं, जहां प्रोसेसेस होंगी, जहां प्रोडक्ट होगा, डिलीवरेबल होगा, भले वो प्रोजेक्ट में हो, प्रोजेक्ट से बाहर हो, किसी भी फील्ड में हो, उसके क्वालिटी एक इशू है, वो आपको सेटिस्फाई करना होगा। जो पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के हवाले से अडॉप्ट करती है, वही पॉलिसी आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई करेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है। इसलिए वट एवर क्वालिटी पॉलिसी यू आर फॉलोइंग, या जो भी कोई स्टैंडर्ड आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपकी क्वालिटी प्रोजेक्ट की के लिए क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स बन जाती है। आपको याद होगा जब मैंने रिक्वायरमेंट्स की बात की थी, तो वहां देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स थी, आपकी सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट्स थी, आपकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट, ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट थी, तो वहां पर एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट थी और एक क्वालिटी रिक्वायरमेंट थी। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आर द
policy of the organization about quality which have to be followed in the project, right? तो एक तो वो वहां से आ रही है. जहां तक प्रोजेक्ट के काम की क्वालिटी की बात है या उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात है, दैट इज कॉल्ड, वो सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट में आती है. सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट में दो चीजें हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्कोप से रिलेटेड होती हैं, और दूसरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी, प्रोसेस भी आ जाता है उसके अंदर, प्रोडक्ट भी आ जाता है, वो उससे कंसर्न है. लेकिन जिस चीज को हम क्वालिटी रिक्वायरमेंट कहते हैं आम जुबान में, वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऑर्गेनाइजेशन की अडॉप्टेड पॉलिसी है क्वालिटी के हवाले से, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं. आई होप मैंने आपको कंफ्यूज किए बगैर ये बात थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है. क्वालिटी में ज्यादा प्रोसेस, लंबे चौड़े प्रोसेस नहीं है, कंपैरेटिवली देखने में सिंपलर है क्योंकि चीजें कम है. प्लानिंग में हमने सारी क्वालिटी मैनेज कर लेनी है, प्लान कर लेनी है, और लाजमी बात है कि यहां से क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बन जाएगा, और उसी क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के तहत हम एग्जीक्यूशन में क्वालिटी को मैनेज करेंगे और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में कंट्रोल करेंगे. अच्छा जी, अब मैं यहां एक बात क्लियर करता जाऊं, जो मैनेज क्वालिटी है ये एग्जीक्यूशन में हो रहा है, और कंट्रोल लाजमी बात है कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हो रहा है. मैनेज क्वालिटी की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? मैनेज क्वालिटी जिस वक्त काम हो रहा होगा, आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिस वक्त एग्जीक्यूशन हो रही होगी, क्वालिटी मैनेज क्वालिटी होते हुए कामों की क्वालिटी को देखने की मजाज है. मतलब क्वालिटी अश्योरेंस का अमल दरअसल एग्जीक्यूशन में होता है, और कंट्रोल क्वालिटी जो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, उसका ताल्लुक प्रोडक्ट या डिलीवरेबल से है. जो भी चीज बन के निकलती है वो क्वालिटी के मुताबिक बनी है या नहीं बनी, इसको बाकायदा उस प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, और ये क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है. क्वालिटी कंट्रोल का ताल्लुक डिलीवरेबल से ही होता है, काम से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. क्वालिटी कंट्रोल आपका जो भी चीज बन के निकलती है उसकी स्पेसिफिकेशंस, वेरिएंसेस और जो भी कोई उसकी क्या कहते हैं टॉलरेंसेस हैं, वो चेक करता है. कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोई क्वालिटी का कोई स्टैंडर्ड होता है, होता तो है स्टैंडर्ड, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए आप ये काम नहीं कर रहे, आप कस्टमर के लिए कर रहे हैं. सो थिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर द कस्टमर रिक्वायरमेंट. कस्टमर क्या क्वालिटी चाहता है आपने वो देनी है, आपने वो नहीं देनी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बताता है, क्योंकि क्वालिटी कॉस्ट मनी, मुफ्त में क्वालिटी नहीं आती. जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा वो शायद एक्सपेंसिव हो और आपके इलाके के लोग उतनी क्वालिटी अफोर्ड ही ना कर सकते. देयरफॉर हम अमेरिका की क्वालिटी का स्टैंडर्ड इधर इम्पोज नहीं कर सकते, या जापान की क्वालिटी का स्टैंडर्ड यहां इम्पोज नहीं कर सकते. हाँ, अगर किसी एरिया में, किसी फील्ड में, किसी इंडस्ट्री में आपको वो एक्यूरेसी चाहिए, मिसाल के तौर पे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है, एरोनॉटिक्स है और स्पेस है, इस तरह के कामों में, वहां पे ये आम क्वालिटी नहीं चलेगी. वहां पे आपका स्टेक होल्डर ही बहुत ज्यादा अकलमंद हो जाएगा ना, तो आपको फिर उसके हिसाब से अपनी क्वालिटी का लेवल कुछ नॉच अप ले जाना पड़ता है. लेकिन आम पब्लिक के साथ जहां पे हमारी डीलिंग होती है, तो वहां पे आप देखते हैं कि क्वालिटी इलाके की होती है, लोगों की होती है, क्वालिटी कोई स्टैंडर्ड नहीं है. अब वही जो अब मेरा ख्याल है कितनी दफा बात कर चुके हैं, गालिबन साथ ने बात की थी, किसने की थी, कि वो टोयोटा जो पाकिस्तान में बनती है उसका तो बड़े गरक है. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पाकिस्तानियों की औकात पहचान ली है, उन्हें पता चल गया पाकिस्तानी को क्या क्वालिटी चाहिए, वो क्या अफोर्ड कर सकता है. खैर वो अफोर्ड तो एक तरफ रख दें, वो मतलब उसमें से जूस भी पूरा निकालते हैं, पैसे भी आपसे ज्यादा लेते हैं और देते भी आपको घटिया तरीन माल है,
और उसके ऊपर आप खुश भी हैं, मतलब चला रहे हैं ना, शोर जितना मर्जी मचाए चला तो रहे हैं ना, किसी ने जाके टोयोटा वालों को शू तो नहीं कर दिया कि भाईजान ये आपने क्या मजाक बनाया हुआ हमारे साथ। तो मतलब उनको पता है पाकिस्तानियों की टॉलरेंस क्या है और इनके साथ क्या सलूक रखना है, उन्होंने पहचान लिया आपको। तो कहने का मकसद है कि जिस जगह आप पार्टी डिलीवर कर रहे हैं उस इलाके में या उन कस्टमर्स जो आपके स्टेक होल्डर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी क्वालिटी मिलेगी। खैर जी, इस पे बहस करते हैं। तो ये जो मैनेज क्वालिटी करनी है और जो कंट्रोल क्वालिटी करनी है, ये दोनों चीजें हम प्लान कर लेते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के अंदर। और प्लान कैसे कर लेते हैं, मतलब इसमें तो गाइडलाइन है, अश्योरेंस करने के क्या असूल होंगे, कंट्रोल करने के क्या तरीकाकार क्या होगा, टूल्स क्या होंगे, इस तरह की बातें। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनेंगे ना यहाँ प्रोजेक्ट के जो क्वालिटी से रिलेटेड होंगे, मतलब इंस्पेक्शन फॉर्म क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, फिर ये कि ऑडिट कैसे करेगा, कौन पार्टी आएगी, कहाँ से आएगी, इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, इस तरह की बातें जो है वो आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में होंगी जिनको आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में रख देंगे। बाकी आपका क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है जो गाइडलाइन है, और इसके मुताबिक आप मैनेज क्वालिटी और कंट्रोल क्वालिटी का काम करें। ये आपके तीनों के तीनों प्रोसेस है यहाँ पर। और एक चीज जो यहां इंपॉर्टेंट है, मैं आगे आएगी मैं बताता हूं जी। आप देखें मैनेज क्वालिटी, पहले जमाने में ये जो मैनेज क्वालिटी का प्रोसेस है इसका नाम क्वालिटी अश्योरेंस था। अब इन्होंने इसकी कुछ जिम्मेदारी बढ़ा दी है और इसका नाम मैनेज क्वालिटी कर दिया है। ये क्वालिटी अश्योरेंस का काम तो कर ही रहा है, लेकिन इन एडिशन टू दैट ये आप देख सकते हैं टेस्ट एंड एवेल्युएशन डॉक्यूमेंट्स तरतीब दे रहे हैं। किसके लिए? ये क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए कि किस चीज को कैसे एवेल्युएट किया जाएगा। वो कहता है जब आप मैनेज कर रहे होते हैं क्वालिटी को, तब ये डॉक्यूमेंट्स जो है फॉर्म होते हैं। ये प्लानिंग में सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म नहीं हो सकते, इसलिए इसका नाम इन्होंने अश्योरेंस से हटा के मैनेज क्वालिटी कर दिया। और इसकी जिम्मेदारियों में ये टेस्ट एंड एवेल्युएशन डॉक्यूमेंट बनाना भी है और साथ साथ क्वालिटी अश्योरेंस करना। ओके जी, तो मकसद इनकॉर्पोरेटिंग दी ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी पॉलिसी, ये वही बात जो मैंने कहा कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो फिर वो उसमें से हमें ये बातें पता चलती हैं जो हम क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में भी डाल सकते हैं कि क्वालिटी को प्लान कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है और कंट्रोल कैसे करना है। याद रहे जैसे स्कोप में प्रोडक्ट का स्कोप और प्रोजेक्ट का स्कोप होता था एग्जैक्टली उसी तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोजेक्ट की क्वालिटी होती है। जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है वो काम की क्वालिटी है, वो प्रोसेस की क्वालिटी है, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है। प्रोडक्ट से ये मतलब कभी मत लीजिए कि ये मैं कोई एंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। अगर से कि आप कोका कोला की बोतलें बना रहे हैं या क्रेट्स बना रहे हैं भरे हुए, तो एवरी प्रोसेस और एवरी एक्टिविटी विल डू समथिंग एंड देर विल बी सम आउटपुट कमिंग आउट ऑफ इट। सो आउटपुट जहां से भी निकलेगा उसका वहीं पर क्वालिटी कंट्रोल होगा। बेशक वो उस कोका कोला की बोतल का रैपर है, उसका ढकना है, उसकी खाली बोतल है, उसका डिजाइन है, उसका लिक्विड है, जब जब जो जो चीज बन बन के निकलती जाएगी उसका क्वालिटी कंट्रोल वहां साथ साथ होता जाएगा। प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट हैं। लेबल लगाना भी एक प्रोडक्ट है, बोतल भी एक प्रोडक्ट है, ड्रिंक भी प्रोडक्ट है, ढकना भी प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट है। लेकिन जहां जहां से जब जब जो जो चीज निकलेगी उसकी क्वालिटी वही वही चेक होती चली जाएगी, और अल्टीमेटली जब ये यूनिफाई होके एक एंड प्रोडक्ट के तौर क्रेटों की सूरत में निकलेगा, तो उस वक्त भी हम इसकी क्वालिटी चेक करें, क्वालिटी कंट्रोल करें। ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, भले वो छोटे से पार्ट की क्वालिटी चेक हो रही है या पूरे एंड प्रोडक्ट की हो रही है, दिस इज डन थ्रू इंस्पेक्शन। फिजिकल इंस्पेक्शन की जरूरत होती है,
इसके लिए हमारे पास चेकलिस्टें होती हैं, हर इंस्पेक्शन के लिए लिखा होता है कि क्या क्या चीज देखनी है, क्या क्या वेरियंसेज हैं, टॉलरेंसेज हैं, कितनी टॉलरेंस के अंदर होना चाहिए, इससे किस हद से बाहर निकल गया तो हम ये हमारा कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो उन हदों में रखना, उन लिमिट्स के अंदर रखना, ये क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है। अगर वो चीज उन हदों में नहीं आती तो उसको डिफेक्टिव करार दे दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो कस्टमर के हाथ में नहीं जाएगी। अच्छा जी, अब जो मैनेज क्वालिटी में काम हो रहा है वो काम है जिसका ताल्लुक प्रोसेस से या प्रोजेक्ट से है, मतलब काम से ताल्लुक है इसका, इसका डिलीवरेबल से या प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब मैं कहता हूं कि मतलब ये बहुत बड़ा डाउट है, अक्सर लोग इसको नहीं समझते। वो कहते हैं जी कि अच्छा वो बोतलें बन रही हैं तो मैं बोतलों को देखूंगा ढकने ठीक लगे हुए। भाई जान, बोतलों को देखना ढकने से ही लगे हैं कि नहीं देखने, ये क्वालिटी कंट्रोल का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्वालिटी अश्योर करने वाले हैं तो आपने बोतलों की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ चोरी आंख से भी नहीं देखना, वो आपका काम ही नहीं है। आपका काम कुछ और है कि प्रोसेस जो हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, क्या वो क्वालिटी के मुताबिक हो रहे हैं। अब ये बड़ा मजे का पॉइंट है कि काम कैसे क्वालिटी के मुताबिक होता है, गौर कीजिएगा। एक्चुअली ये जो क्वालिटी इश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये निकला है टोटल क्वालिटी से, और टोटल क्वालिटी में वो ये कहता है कि इट इज नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑफ द होल एनवायरमेंट अराउंड द प्रोडक्ट। इट नॉट ओनली प्रोसेस और एक्टिविटी में बात कर रहा हूं, अभी क्वालिटी उस हद तक भी नहीं। वो कहते हैं कि अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो कुछ भी सेटअप है, कितना साफ माहौल है, फूल लगे हुए हैं, गेट बना हुआ है, इन सब चीजों की क्वालिटी आला होगी। सिर्फ उस काम को करने की क्वालिटी की बात नहीं हो रहा, एक पूरी टोटल एनवायरमेंट क्वालिटी की होगी। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में आप दाखिल हो तो आपको महसूस हो कि मैं कोई अजीब सी नई सी जगह पे आ गया हूं, एक डिफरेंट जगह पे आ गया हूं, यहां का तो कोई स्टैंडर्ड है। ये होती है टोटल क्वालिटी। और इसमें ना सिर्फ वो प्रोसेसेस जो कि उस डिलीवरेबल को बनाने का सबब बनती हैं, बल्कि उसके अलावा इर्द गिर्द का माहौल भी। ये चीज कॉन्सेप्ट जो है, ये टोटल क्वालिटी का कॉन्सेप्ट, राइट जी। तो क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ऑल्सो सपोर्ट्स कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ये कैसे करता है, ये असल में वही बात आ जाती है, क्वालिटी मैनेजमेंट का काम है ना। क्वालिटी का एक असूल है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एक साइकिल है, डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने वो ईजाद की थी। वो कहते थे कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी काम हो, वो चार स्टेजेस से गुजरता है अपनी लाइफ में, चार स्टेजेस से गुजरता है, आइटरेट करता रहता है। पहले उस काम को प्लान करना पड़ता है, फिर हम प्लान के मुताबिक डू करते हैं, फिर अपने किए हुए को चेक करते हैं, और फिर दुरुस्तगी करके उस पर एक्ट अपॉन करते हैं। सो जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो सम इंप्रूवमेंट कम्स इनटू द प्रोसेस। जब एक्ट अपॉन करेंगे तो प्रोसेस इंप्रूव होगा, एंड एवरी टाइम आप ये साइकिल चलाएंगे, एवरी टाइम देयर विल बी सम इंप्रूवमेंट, एंड दिस इंप्रूवमेंट इज इनफिनिट। ऑल्दो ये जरूर होगा कि पहली दफा जब आपको गलती पकड़ेंगे तो दैट वुड बी अ ग्रेट, काफी बड़ी इंप्रूवमेंट होगी, अगले साइकिल में शायद उसे थोड़ी छोटी इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन इंप्रूवमेंट हमेशा होगी, बेशक वो क्या कहते हैं वॉल्यूम में कम होती जा रही है। और वॉल्यूम में इसलिए कम होती जा रही है कि आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे एनकंपस नहीं कर पा रहा। मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या जो आपका नॉन लॉजिकल नॉलेज है वो उससे आगे सोच नहीं पा रहा, अदरवाइज तो उसमें इन्फिनिट ताकत है दुरुस्त होने की। तो होता यह है कि मिसाल के तौर पर ये कमरा है छत तक, तो मैं कहता हूं यार मैं इंप्रूव करूं, मैं पहली दफा कोशिश में मैं आधे कमरे की हाइट तक इंप्रूव कर जाता हूं, अगली दफा शायद मैं 1/4 और कर लूं,
फिर अगली दफा 1/8 करूं, अगली दफा 1/16 करूं, मगर आप ये देख रहे हैं कि मैं छत तक पहुंचने तक मैं बस चले जा रहा हूं, ये भी एक इन्फिनिट जर्नी है। लेकिन जब छत आ जाएगी तो फिर वो इतने छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट के कि शायद वो विजिबल भी ना रहे। मतलब मैंने अपने आप को एनहांस और इम्प्रूव करके एग्जिस्टिंग नॉलेज के हिसाब से टॉप पे पहुंचा दिया, लेकिन दिस ऑलवेज प्रूव्स टू बी द ग्लास सीलिंग विच हैज टू बी ब्रोकन थ्रू टू एक्सप्लोर न्यू हॉरिजॉन्स। एक वक्त आता है, नया नॉलेज आता है, कोई नई ईजाद होती है, कोई नया, तो आपका वो जो जिसको आप हद समझ रहे थे वो हद खत्म हो जाती है। अचानक आपके सर के ऊपर से जो छत पड़ी हुई थी वो गायब होगी, एंड आप जहां खुले हैं ऊपर, अब आप फिर लंबे इंप्रूवमेंट्स करते हैं, बड़े बड़े इंप्रूवमेंट करते हैं, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, यहां तक कि आपको एक और ग्लास सीलिंग मिल जाती है। ये है जी, मतलब लॉजिक आपको, ये ग्लास सीलिंग इज योर लॉजिक, इससे आगे वो जाने नहीं देता, और क्रिएटिविटी उस ग्लास सीलिंग को तोड़ देती है और आप और मजीद खूब से खूब तर के जर्नी पे चलते रहते हैं। इस वजह से कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट को एक इनफिनिट कॉन्टिन्यूस जर्नी कंसिडर किया गया। हैविंग सेड ऑल दिस, क्या प्रोजेक्ट में भी ये कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इनफिनिट होती है? दैट इज अ क्वेश्चन। अगर तो ये इन्फिनिट होती है तो ये तो प्रोजेक्ट की फिलॉसफी के खिलाफ चला गया। प्रोजेक्ट तो वैसे ही फाइनाइट है, उसने तो खत्म होना है, वो तो अपना काम करेगा, उसका काम बयान हुआ हुआ है, तो ये इन्फिनिट इंप्रूवमेंट कैसे करेगा भाई, नामुमकिन है। लेकिन जो चीज हमने बनानी थी, जो जिसका टारगेट रखा था, अगर वो ना बन रही हो, फिर क्वालिटी में फेल हो रही है, हम उस वक्त तक उसे इंप्रूव करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूस की इंप्रूवमेंट से उस साइकिल से उस वक्त तक गुजारते रहेंगे जब तक कि वो डिजायर्ड स्टेटस जो हमने पहले से डिफाइन कर दिया है उसको अचीव ना कर ले। जो ही वो उसको अचीव करता है हम उसकी मजीद इंप्रूवमेंट बंद कर देते हैं, हमारी किताब बंद हो जाती है, हमारा नो मोर डिस्कशन होने का। ऑल्दो आई एग्री कि उससे बेहतर क्वालिटी भी की जाने का इम्कान बाकी रहता है, लेकिन चूंकि मेरे स्कोप से बाहर है, प्रोजेक्ट की ये खसूसियत है कि वो अपने स्कोप से बाहर नहीं जाता, क्योंकि मेरे स्कोप से बाहर है, मजीद क्वालिटी की इंप्रूवमेंट करना मेरी जिम्मेदारी से बाहर है, इसलिए वो मैं नहीं करूंगा, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट। जैसे मैंने स्कोप में बताया था कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, प्रोजेक्ट का स्कोप वो कंट्रोल स्कोप संभालता है, और जो प्रोडक्ट का स्कोप है उसको चेक करता है वैलिडेट स्कोप। इसी तरह जो प्रोसेस की क्वालिटी है वो एग्जीक्यूशन में मैनेज क्वालिटी वाला प्रोसेस संभालता है, और जो डिलीवरेबल की क्वालिटी है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में कंट्रोल क्वालिटी संभालती है। ठीक है जी, अब सवाल आता है कि ये एक ही चीज ऐसी है जो बाकी जितने भी कंट्रोल्स हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल है या जैसे स्कोप कंट्रोल है, वो तो पड़ा हुआ है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर, ये एग्जीक्यूशन में क्या कर रहा है क्वालिटी इंश्योरेंस या मैनेज क्वालिटी, ये भी तो वही काम कर रहा है, होते हुए काम को देख रहा है। असल में फर्क है उन सारे कंट्रोलों में और इस क्वालिटी मैनेजमेंट में। मैनेज क्वालिटी में हम क्या देख रहे हैं, मैनेज क्वालिटी में हम ये देख रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है, जो हो रहा है गौर कीजिएगा इस बात पे, जो काम अंडरगोइंग है, ये वो वाहिद प्रोसेस है जो होते हुए काम को एड्रेस कर सकती है, पकड़ सकती है, पूछ सकती है, उसका ऑडिट कर सकती है, उसकी तबीयत साफ कर सकती है, जो कुछ भी कर सकती है, ये वो वाहिद प्रोसेस है जो होते हुए काम के साथ इंटरफियर करती है।
बाकी जितने भी मॉनिटर एंड कंट्रोल हैं, किसी की मजाल नहीं है होते हुए काम को देख भी सके, उसके उन सब के पास वर्क परफॉर्मेंस डेटा आता है जब कोई काम हो जाता है, जब कोई काम हो जाता है, कोई एक एक स्टेप निकल जाता है या एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसका वर्क परफॉर्मेंस डाटा जनरेट होता है, वो जाता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, वो उसको अपनी टाइम जो बेसलाइन है उसके साथ मिलाता है, प्रोजेक्ट प्लान के साथ उसको कंपेयर करता है और उससे वेरियंस निकालता है, और वही ट्रेंड एनालिसिस वेरियंस और ये वो जो कुछ भी है, तो वो काम क्वालिटी का भी हो रहा है, वो क्वालिटी कंट्रोल में प्रोडक्ट के हवाले से भी हो रहा है, प्रोसेस के हवाले से। लेकिन वो जो काम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में होता है वो क्या होता है, वो होता है पोस्टमार्टम। ये जब कोई चीज हो जाती है तो हम उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि ये जो हुआ है अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, इससे क्या सबक हासिल हुआ है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत है कि नहीं है, ये वाली बातें। जितने कंट्रोल है ऑल द नॉलेज एरियाज ऑल आर बेसिकली डूइंग द पोस्टमार्टम ऑफ वर्क परफॉर्मेंस डेटा ऑन टू एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, दैट्स इट। इट सारे कंट्रोल ये कर रहे हैं सवाए इस मैनेज क्वालिटी के। मैनेज क्वालिटी, मैंने जैसे कहा, ये वाहिद प्रोसेस है जो प्रोसेसेस के चलते होने के दौरान उनको उनकी तबीयत साफ करती है, उनको सीधा करती है और इंश्योर करती है, अश्योर करती है कि काम सारे ठीक हो रहे हैं। हो रहे हैं को देखना सिर्फ एक इस प्रोसेस का काम है जिसका नाम है मैनेज क्वालिटी या क्वालिटी अश्योरेंस कह सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ आया जी किसी को? आगे चलते हैं, बातें और शायद थोड़ा क्लियर हो जाए। अच्छा, ये जरा जनरली देखिएगा, ये इस चार्ट में काफी बेहतर तरीके के साथ उसने वो चीज डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। कहते जब हमने प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट की तो निकला क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट आउटपुट निकला क्वालिटी मीट्रिक्स। मीट्रिक्स क्या होते हैं? जो भी आपने क्वालिटी का पैरामीटर चुना है उसको नापना भी तो है किसी चीज से, वो क्या माप करने का तरीका है जिससे आप इसे नापेंगे कि ये चीज ऐसी है या नहीं है। वो नापने का जो भी आला या तरीका है उसको हम कहते हैं क्वालिटी मीट्रिक्स। क्वालिटी मीट्रिक्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट। एक तो वहां से क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनता है, लाजमी बात है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान आपको पूरी गाइडलाइन देता है क्वालिटी किस तरह मैनेज करनी है, और इसके अलावा वो क्वालिटी मीट्रिक्स भी यहां से निकाल रहे हैं। ये चीजें चली जाती हैं एग्जीक्यूशन में मैनेज क्वालिटी के पास, मगर उसके पास सिर्फ यही नहीं आता, और भी बड़ा कुछ आता है। वो जो प्रोसेस एसेट्स वगैरह पड़े हुए थे या पॉलिसीज पड़ी थी, उनसे आपको क्वालिटी के टेम्पलेट्स मिल सकते हैं मुख्तलिफ काम करने के। आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट से कोई कागजात जो आपके काम के हों वो मिल सकते हैं मैनेज क्वालिटी के दौरान। और जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी या कोई प्रोसीजर बने हुए हैं क्वालिटी के लिए, वो आ जाएंगे, वो मिल जाएंगे आपको। और प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन की तरफ से जो डिलीवरेबल और वर्क परफॉर्मेंस डेटा है वो कंट्रोल क्वालिटी को जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ इंटीग्रेशन से? क्या इंटीग्रेशन का प्रोसेस है? डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, वो एग्जीक्यूशन करने का जिम्मेदार है। तो उधर जो कुछ निकलेगा निकलेगा वर्क परफॉर्मेंस डेटा और डिलीवरेबल, ये आगे कंट्रोल क्वालिटी को पुश कर दिए जाते हैं और वो फिर उसको देखेगा, राइट। मैनेज क्वालिटी से क्या निकलता है जो कि कंट्रोल क्वालिटी को जाता है? मैनेज क्वालिटी से टेस्ट एंड एवेल्युएट डॉक्यूमेंट्स और क्वालिटी की रिपोर्ट्स निकलती हैं। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्वालिटी कंट्रोल को जहां से जाते हैं, और बाकी आपको वो डिलीवरेबल और वर्क परफॉर्मेंस डेटा जो है वो तो एग्जीक्यूशन से प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के प्रोसेस से आ रहा है। क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या बनाता है? एक तो क्वालिटी कंट्रोल से डिलीवरेबल पास जब हो जाता है उसे कहते हैं वेरीफाइड डिलीवरेबल। वेरीफाई हुआ हुआ डिलीवरेबल वैलिडेट स्कोप के प्रोसेस को दे दिया जाता है ताकि वो अपनी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर ले, वैलिडेट कर ले। इसके अलावा कंट्रोल क्वालिटी से दो चीजें हमारी निकलती है। एक तो हमने वर्क परफॉर्मेंस डाटा रिसीव किया था तो उसका हमने वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बना के जमा भी तो करानी है ना मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को।
इसके अलावा जो भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये मीट्रिक्स इस्तेमाल करता है और मेयरमेंट्स निकलती हैं उससे, वो तमाम मेयरमेंट्स वापस मैनेज क्वालिटी को भेज देता है, और ये बड़ा ही जबरदस्त काम है और बड़ा ही जरूरी काम है। ये जो क्वालिटी, मतलब ठीक है ना, आपने प्रोडक्ट चेक कर लिया, प्रोडक्ट में गलती है तो पकड़ लेंगे, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल की जो मेजरमेंट्स हैं वो अगर क्वालिटी मैनेज क्वालिटी को मिल जाए तो उसका क्वालिटी अश्योरेंस वाला काम बे इंतहा आसान हो जाता है। अब मुझे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें कि मैंने ये क्वालिटी अश्योरेंस में होता क्या है। अगर मुझे कहा जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आऊं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैं क्वालिटी अश्योर करूं, तो मैं क्या करूं? मैं जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो सबसे पहले ये चेक करूंगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर इज योर बिजनेस, आप जो काम कर रहे हैं क्या वो कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं? अब ये क्या बात होती है, कंसिस्टेंसी से कैसे काम होता है? बात ये जी कि हो सकता है कि आपका एक कारीगर बहुत आला हैंडमेड फुटबॉल बनाता हो, उसके हाथ में अपना ही एक हुनर हो, लेकिन वो जो हुनर है वो हर किसी के हाथ में नहीं है। आपकी दुकान से, आपकी फैक्ट्री से जो फुटबॉल बन के निकलते हैं, कुछ तो बहुत पसंद किए जाते हैं और बहुत से रिजेक्ट हो जाते हैं। अब वो जो एक पाए का, आपके पास एक कारीगर है, उसके हाथ में जो सफाई है, योर फैक्ट्री शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये सिर्फ एक आदमी का हुनर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको आप प्रोसीजराइज कर लें, सारे लोगों को समझा दें कि इस स्टेप, ये रेसिपी है काम करने की, इस तरतीब में पहले इतना करो, फिर ये करो, फिर ये चेक करो, फिर ये स्टेप करो, फिर ये स्टेप करो, तो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, तो वो क्वालिटी गाइडलाइन आपको होनी चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान आपको बताए और आप उसके हिसाब से मैनेज क्वालिटी करेंगे। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, पहली बात तो मैंने पूछा कंसिस्टेंसी, आप लोग काम करें, पता चलता है एक आदमी और तरह से काम कर रहा है, दूसरा और तरह से काम कर रहा है, एक की क्वालिटी कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, मतलब मेरा मतलब है कि इसमें चांस ये होता है कभी अच्छी चीज निकल जाएगी, कभी बुरी चीज निकल जाएगी, कोई कंसिस्टेंट चीजें नहीं निकल रही, एक जैसा आउटपुट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आपकी क्वालिटी भले कभी कभी अच्छी निकल आती हो, वी डैम केयर, आपकी क्वालिटी जीरो है, जीरो, क्योंकि आपके दो आइटम कोई एक दूसरे से नहीं मिलते। तो ये तो बड़ी पूर बात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी में कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। कंसिस्टेंसी आती कैसे है? आपने अक्सर सुना होगा आईएसओ वाले जब आपका, मतलब ऑडिट करने आते हैं, आपको जब वो सर्टिफिकेशन आपने लेनी होती है, अप्लाई की होती है, तो वो कहते हैं जी, आप सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये होता है, आपके प्रोसीजर बने में, प्रोसीजर एसओपी बनी हुई है, नहीं नहीं प्रोसीजर बने में आपके, क्वालिटी के प्रोसीजर, वो क्या होते हैं जी क्वालिटी के प्रोसीजर? आप जो काम करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई हर एक काम, एवरीथिंग, इवन वो फाइनेंस वाला भी, कोई उसने कोई रिपोर्ट जो है वो कुछ करनी है, भेजनी है किसी के पास, तो वो भी एक खास नंबर ऑफ स्टेप से करेगा, पहले डेटा इकट्ठा करूं, फिर मैं एनालाइज करूं, फिर उसको इस स्टेज तक लेके जाऊं, फिर उसको मैं एक रिपोर्ट में पब्लिश करूं, फिर मैं बॉस को दिखाऊं, फिर ये करूं, पूरा स्टेप हर चीज का लिखा होना चाहिए। ये जो अभी आप देखे ना एयरलाइंस के जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या मसला है? कंसिस्टेंसी का मसला है भाई। जहाज तो वही है, ठीक है ना, अगर जहाज फिट टू फ्लाई नहीं है तो वो इंस्पेक्शन पास कैसे करता है? या तो आपने वहां गड़बड़ की हुई है। असल में मसला वो भी नहीं है, असल में मसला है, मैंने बहुत से इनके वो वीडियोस देखी हैं, जो मतलब जो इनकी जहाजों के क्रैश जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन है, अमूमन जो है वो पायलट की ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। उनके बाकायदा प्रोसीजर बने हुए, कहते हैं कि सबसे सेफ इंडस्ट्री ये एयरलाइन इंडस्ट्री है। और क्या वजह है? हर कदम पे हर चीज, मेरा मतलब है दो पायलट बैठे होते हैं, अगर वो एक काम करना है
तो वो ऊंची आवाज में एक आदमी बोलता है, दूसरा उसको रिपीट करता है और साथ वो काम करता है, बाकायदा वो चीज आपके वॉइस रिकॉर्डर्स में रिकॉर्ड हो रही होती है कि जनाब इन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं किया है। इस तरह और लिखा हुआ पड़ा होता है सारा प्रोसीजर कि जनाब अब ये करो, अब ये करो, अब फ्लैप उठा लो, अब ये करो। तो ये प्रोसीजर अगर हर दफा पायलट्स इसी को फॉलो करते हैं तो ये कंसिस्टेंटली एक ही क्वालिटी आ रही है। अब आप खुद समझदार हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे आती है। प्रोसीजर जब बन जाता है लिखा हुआ प्रोसीजर तो उसके मुताबिक काम करना आपके ऊपर बाउंड कर दिया जाता है। अच्छा जी, लोग क्या करते हैं, ऑडिट कराने के चक्कर में, आईएसओ सर्टिफिकेशन लेने के चक्कर में वो प्रोसीजर्स बनवा तो लेते हैं पैसे खर्च करके, उसके बाद उनको खूबसूरत जिल्दों में सारे प्रोसीजर्स को सीईओ के ऑफिस में लगा दिया जाता है और किसी को मजाल नहीं है, इजाजत नहीं है कि इस कागज को किसी को खोल के रखे, मतलब ये कोई किताब निकाल के खोल के पढ़ ले इसको, नामुमकिन। काम कैसे हो रहा है, वो पुराने तरीके से, लेकिन आप आईएसओ सर्टिफाइड हैं, डंका आपने बजाया हुआ आईएसओ सर्टिफाइड का। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन जो होती है वो कंपनी की होती है, प्रोडक्ट की नहीं होती। आई होप ये बात आप लोग समझते होंगे, कोई प्रोडक्ट, कोई चीज जो मार्केट में या इंडस्ट्री में फैक्ट्री से बनके निकलती है वो आईएसओ सर्टिफाइड कोई आइटम दुनिया में है ही नहीं, कोई भी नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड होती है और वो कहते हैं जी हम इस लेवल तक काम करते हैं, हमने प्रोसीजर बनाए हुए हैं, मतलब आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलती है उसको है जो कम से कम ये साबित कर दे कि हमने प्रोसीजर बनाए हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रोसीजर बने हों। अब अगला सवाल मेरा ये आता है कि अच्छा जी प्रोसीजर तो आपने दिखा दिए बने हुए, फॉलो भी करते हो। वो कहते हैं सर ये फॉलो हमें तो पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है। मतलब आप अंदाजा कर लीजिए कि प्रोसीजर बने हुए हैं, किताबों में लिख के खूबसूरत अलमारियों में लगा दिए हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि इनको फॉलो भी करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि सबको पता होना चाहिए अवेयरनेस, नंबर दो इन जिन लोगों ने इसका इसके ऊपर अमल करना है उनको क्वालिटी की ट्रेनिंग देना भी जरूरी है ताकि उन्हें पता हो कि मैं किस तरीके के साथ क्वालिटी को मैनेज करूंगा और क्वालिटी को अश्योर करूंगा। प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, वो अभी मैं कल वो एक सुन रहा था उसमें उन्होंने कहा थी कि एक छोटा जहाज है वो जो ही ग्राउंड की प्रॉक्सिमिटी में आता है तो उसका इतना सेंसिटिव सिस्टम है कि वो उधर ही बीप मारना शुरू कर देता है कि ग्राउंड आ गया, ग्राउंड आ गया, शोर मचाया बहुत है उसने। तो वो पायलटों को पता होता है कि यार अब हम एयरपोर्ट में दाखिल होने तो ग्राउंड ही आने और क्या आने, तो वो उसकी इतना वो चीख चीख के वो बोल रहा होता है साउंड सिस्टम, वो उसको उसका रिले ऑफ कर देते हैं, उसका स्विच खींच देते हैं। होता क्या है कि उसके नतीजे में आवाज आनी बंद हो जाती है, वो बड़े खुश हो जाते हैं, एंड दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है ना। सारे पायलट ये ड्रामा करते हैं कि अब वो आवाज बंद कर देते हैं। एक जहाज इस तरह से क्रैश हुआ नेपाल में ये पुराना, उन्होंने कहा जी कि बहुत शॉर्ट रूट था और उसमें पहाड़ों के बीच में जाना पड़ता था, ये बार बार बोल पड़ता था। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी पायलट्स की कि जब ज्यादा खप डालता था उसको बंद कर देते थे। इस पायलट की ये कोई तीसरी फ्लाइट थी आज की तारीख में, बल्कि पांचवी छठी फ्लाइट थी, दो दो राउंड ट्रिप मार चुका था और तीसरा मार रहा था और वो रूट उनका देखा पाला था। उसने कहीं पिछली फ्लाइट के दौरान वो स्विच ऑफ कर दिया और अभी जो आखिरी फ्लाई लिया तो उसके अंदर उसको ख्याल ही नहीं रहा उसको ऑन करना और क्लाउडी आ गया सारा सिस्टम और वहां पे कोई वो दूसरा था कोई नहीं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग का सिलसिला होता नहीं है ऐसी जगहों के ऊपर नेपाल वगैरह में, तो अब वहां पे क्लाउड कवर आ गया, बीच में पहाड़ आ गया, उसको समझ कोई ना आई। वो क्या कहते हैं जो ये प्रॉक्सिमिटी बताने वाला वो तो स्विच ही पीछे से बंद किया हुआ था, वो किसी को अंदाजा ही नहीं था, सीधे जाके पहाड़ के अंदर लगे। मेरा मतलब है वहां तो जानों का मसला है ना, इसकी क्वालिटी वहां बहुत ज्यादा देखी जाती है एयरलाइन में, लेकिन यहाँ चूंकि हमारा जानों का मसला नहीं होता तो हम कहते हैं लुट पा दो। लेकिन अगर आपने अच्छी क्वालिटी देनी है तो हमें
क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मैनेज और मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब ये चीज भी आ गई जी कि आपने ना सिर्फ ये के प्रोसेस एग्जिस्ट करवाए बल्कि एक्सेसिबल भी करवाए और लोगों को ट्रेन भी करा दिया कि आप तुम इस्तेमाल करो, अब ये जो काम करेंगे तो कंसिस्टेंट रिजल्ट देंगे। इसके अंदर एक चीज और शामिल कर दीजिए कि उनको उनको बार बार उनका टेस्ट भी लिया जाए, ठीक है ना, सरप्राइज टेस्ट भी उनका लिया जाए कि ये मतलब कोई सबको आता है कि नहीं आता। ये हाँ होगी बात, यहां तक जो चीजें थी वो तो मतलब लिखी हुई है, पता है क्या करना है। अभी एग्जीक्यूशन के दौरान और क्या करता है, वो कहता है जी कि अब तुम ये करो कि तुमने ये तो कर लिया सारा कुछ, अब ऐसा करो कि हिट एंड ट्रायल करो, सारे प्रोसेसेस में से रैंडमली कभी इसको उठालो कभी उसको उठालो और उसको एनालाइज करो, चेक करो, नंबर एक बात क्या इस ये जो प्रोसेस बना हुआ है इसमें कोई फ्लॉज या क्या कहते हैं उसको, बग्स तो नहीं है, और अगर कोई चीज नजर आए तो दुरुस्त कर देना, और नंबर दो के क्वालिटी एश्योरेंस के दौरान अगर कोई चीज इंप्रूव हो सकती है, पहला तो मैंने कहा कि कोई फ्लॉ है वो तो डेफिनेटली हमारा फर्ज बनता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं सामने आई होती, छोटे छोटे बग्स होते हैं, तो वो कहते हैं बग्स को हंट करो, और बग्स तो चले गलती है, फिर कहते हैं कि अब प्रोसीजर इस हद तक आ गए हैं कि जो कुछ है वो बेहतरीन है। वो कहते हैं फिर भी उन प्रोसीजर्स को बार बार देखो और फाइंड करने की कोशिश करो इसे इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। ये आपका जॉब है मैनेज क्वालिटी में, क्वालिटी अश्योरेंस वाले का ये जॉब है इंश्योर करना कि क्वालिटी कंसिस्टेंट आए। अच्छा, अब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि ये बग्स फाइंड करना या मजीद एनहांसमेंट करना ये तो बड़ी कितने सारे प्रोसेस होते हैं, कभी ये इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो ही इज कम्प्लीटली ब्लाइंड कि कहाँ गलती है या कहाँ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, और वो बस जहां मुंह उठता है चल पड़ता है। तो एसेंशियली स्पीकिंग क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो बंदा है ही इज ब्लाइंड, ही डज नॉट नो इससे आगे मैं क्या करूं, कौन से प्रोसेस को जाके उसमें क्या देखना है, उसको ये नहीं पता। अब जो मैं बात कर रहा था क्वालिटी कंट्रोल में, जब प्रोडक्ट चेक होता है उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसकी मेजरमेंट जब क्वालिटी के पास आती है मैनेज क्वालिटी के पास, तो दिस इज जस्ट लाइक कि आपने उसको आंखें अता कर दी, क्योंकि यहां पे वो हमें डेटा मिल रहा है, मेजरमेंट्स मिल रही है, फिजिकल आउटपुट डिलीवरेबल जो बन के निकले हैं उनकी रिजेक्शन हुई, क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम कहां आ रही है, इश्यूज जहां जहां खड़े हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, मतलब फ्लॉज आ रहे हैं, डिफेक्टिव आइटम है, रिजेक्ट हो गए हैं, कितने आइटम मार्केट में चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उनकी वजह से क्या डैमेज हुआ, तो ये सब इंफॉर्मेशन मैनेज क्वालिटी को जा रही है, और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर खड़ी होकर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेज क्वालिटी वाला प्रोसेस जो है वो डिग डाउन कर सकता है और अपना सिस्टम अंदर से एनहांस और इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है जी। तो ये वो असल काम है क्वालिटी एश्योरेंस का कि कॉज इफेक्ट निकालो और बताओ कि कौन सी चीज एड्रेस करनी है और उस चीज को फिर एड्रेस करो और उसका सोल्यूशन निकालो। फिर जो क्वालिटी रिपोर्ट्स हैं वो हमारे प्रोसेस एसेट्स में चली जाती हैं और जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां पे पहुंचा दी जाती हैं। मेरा ख्याल है वी हैव कवर्ड ऑल द रिलेशनशिप जो इन तीन प्रोसेसेस जो के प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट है, मैनेज क्वालिटी है और कंट्रोल क्वालिटी। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। की कॉन्सेप्ट जो यहां पर है, पहली बात क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट, वो मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट को भी एड्रेस करती है, मतलब प्रोसेस को भी और डिलीवरेबल को, इसको मिक्स नहीं करना। मैंने ये बहुत आम सुना है कि लोग क्वालिटी एश्योरेंस को कंट्रोल और कंट्रोल को एश्योरेंस कह रहे होते हैं, उनसे पूछे डिलीवरेबल कहां चेक होता है जी क्वालिटी एश्योरेंस में, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, इवन मुझे हैरत इस बात पे हुई कि ऐसे लोग शामिल थे क्लास में जो मतलब फिजिकली क्वालिटी एश्योरेंस की ड्यूटीज कर रहे थे और उनको इस बात का नहीं पता था कि क्वालिटी एश्योरेंस डिलीवरेबल की होती नहीं।
एक बड़े इस तरह अच्छे इंस्ट्रक्टर वो ट्रेनर है आजकल, वो एक कंपनी में हुआ करते थे एक जमाने में, और वो उस जमाने में नए नए वहां भर्ती हुए और उनको क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर के तौर पे रखा गया। मुझे बुलाया गया कि जी इनको बताएं कि ये कैसे अपनी क्वालिटी अश्योर करें, लोगों की ट्रेनिंग करा। तो मैं उनके सीईओ के पास गया, मैंने कहा यार पहले तो मुझे आप ये बताएं, पहले मेंबर के इससे मिला और इससे पूछा, इसको बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा दिया हुआ है उसके अंदर बैठा हुआ है, और मैंने कहा क्या काम है आपका? उसने कहा जी मुझे क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर बनाया गया। कहा अच्छा क्या काम होता है आपका? उसने कहा जी ये भी वो भी सारी क्वालिटी उसने मुझे बता दी। मैंने कहा लेकिन आप तो क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर नहीं है। उसने कहा जी बिल्कुल हूँ। मैंने कहा तो फिर क्वालिटी कंट्रोल क्यों करते फिर रहे? आपको किसने कहा आप क्वालिटी कंट्रोल करें? मतलब इदारे को ही नहीं पता कि आप उसको क्वालिटी मैनेजर कह दें यार, बेसिकली तो वो क्वालिटी मैनेजर है ना, जो प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट दोनों की क्वालिटी का जिम्मेदार है। लेकिन चूंकि फैशन चला हुआ था क्वालिटी अश्योरेंस कहने का, और नई नई मतलब मार्केट में ये चीज आई थी जापान से और से, तो लोगों ने बड़ा इसके ऊपर ऑडिटिंग क्वालिटी ऑडिट के कोर्स हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। जो ऑडिट का कोर्स करके आता है उसको ये नहीं पता होता कि ऑडिट है या इंस्पेक्शन है, वो ऑडिट और इंस्पेक्शन का फर्क नहीं बता सकता, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ। खैर ऑडिट चीजों का होता है, सॉरी कामों का होता है, और इंस्पेक्शन चीजों की होती है। सो इट अप्लाइज टू ऑल प्रोजेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द डिलीवरेबल। क्वालिटी मेजर्स एंड टेक्निक्स आर स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ डिलीवरेबल बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट। इसको करने के लिए हम दो चीजें हैं, एक है कस्टमर की ख्वाहिशात को पूरा करना और दूसरा है मीटिंग प्रोजेक्ट स्केड्यूल ऑब्जेक्टिव। ये दो मकासद हैं इसके क्वालिटी मैनेजमेंट करने के। मतलब ये कहीं नहीं लिखा हुआ स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए क्वालिटी की जाती है, स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए नहीं की जाती, लेकिन वो आ जाए बीच में तो उसको भी भुगता लेंगे। तो स्टैंडर्ड्स की वजह से क्वालिटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि क्वालिटी तो कस्टमर बताता है ना, कस्टमर को क्या चाहिए। फिर ये दो टर्म्स हैं, एक क्वालिटी है और एक ग्रेड है, इन दोनों का क्या फर्क है? मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि वैसे बातचीत करने में शायद बहुत टाइम लग जाए। क्वालिटी इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी यू आर सपोज टू अचीव इन योर प्रोडक्ट आयन प्रोसेसेस। सो एज अ डिलीवर्ड परफॉर्मेंस अ रिजल्ट इज द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट। उसने कहा रिक्वायरमेंट, उसने नहीं कहा स्टैंडर्ड, लेकिन ब्रैकेट में उसने आईएसओ 9000 लिख दिया। आईएसओ 9000 ही ये कह रहा है कि आप कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चीजों को चेक करें। तो उसकी जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव हुआ होगा, एक चीज और भी फर्क याद रखिएगा, क्वालिटी और स्कोप में ये फर्क है कि क्वालिटी जो है वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी को देखती है, जबकि जो स्कोप है वो कंप्लीटनेस को देखती है, ये चीज पूरी है कि नहीं है। और क्वालिटी क्या देख रही है कि ये चीज जो है ये क्या, ये कितनी एक्यूरेट है, डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी है या नहीं है, नहीं है तो फेल कर देगा। ये है क्वालिटी। क्वालिटी किसी एक फीचर की भी हो सकती है, एक से ज्यादा फीचर की भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड वी हैव गॉट ग्रेड। ग्रेड का मतलब क्या है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, उसके कितने फंक्शंस और फीचर्स हैं, मतलब उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी पैक्ड है। आप कहें जी इसके ये 25 फीचर हैं, 25 फीचर हैं, बहुत अच्छी बात है, दिस स्पीक्स ऑफ द हाई ग्रेडेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट? क्या ये हाई ग्रेडेबिलिटी जो है ये हाई क्वालिटी को सेटिस्फाई करती है? तो जवाब मिलता है ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला है। तो एक मोबाइल है, पुराने जमाने का नोकिया का मोबाइल ले लें, बेहतरीन वॉइस क्वालिटी सब कुछ, ना फोन ना कोई एसएमएस ना कोई और हिसाब किताब, नो इंटरनेट, नथिंग,
still it is a very good phone just because it is a good quality item. But as far as the grade is concerned, baki competitors jo hai, smartphone hai, ye hai, wo hai, it doesn't carry that much, you know, jo uske, kya kehna chahiye isko, features jo hai, to feature nahi hai zyada, to low grade ho jayega. To high quality, low grade item, wo Nokia ka phone, जो एक ही काम करता है, मतलब ग्रेडिबिलिटी उसकी बहुत कम है, लेकिन बेहतरीन करता है, क्वालिटी है. फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज आपको बेच दे जिसके अंदर फंक्शंस और फीचर्स तो बहुत सारे हों, लेकिन कोई एक भी फंक्शन ऐसा ना हो जो रिलायबल हो. आप देख लीजिए चाइना के कितनी किस्म के फोन आए, अब लोग लेना भी पसंद नहीं करते. रीजन बीइंग कि वो क्वालिटी का आइटम ही नहीं है, ग्रेड इसका इतना हाई कर दिया उन्होंने. और ये मार्केटिंग प्लॉयज हैं, किस तरीके से लोग मार्केट करते हैं. उन्होंने कहा जी कि माल निकालो, कस्टमर ढूंढो, क्वालिटी की ऐसी की तैसी. आप अभी भी चाइना से जब कोई चीज बल्क में ऑर्डर करते हैं तो वो आपसे कहते हैं जी आप बताएं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो आप तफसील से बताएं. वो कहते हैं जी इसको इसके ऊपर आपको पर यूनिट क्या पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपने अभी सिर्फ हमें अपनी रिक्वायरमेंट बतानी. उसके बाद वो आपकी हैसियत को देखते हुए वो क्वालिटी का एक खास सेक्शन निकालते हैं जो पाकिस्तानियों के लिए बनाया है. और वो अगर देखा जाए तो 20वें नंबर की कैटेगरी है, दो नंबर आइटम है, वो 20वें नंबर का आइटम होता है जो जिसपे आपको क्वालिटी डिलीवर हो रही होती है. एग्जैक्टली आपकी टोयोटा सुजुकी की यही कहानी जा रही है. कोई कंसर्न नहीं है क्वालिटी के बारे में, फीचर डाल दो, ग्रेडिबिलिटी आप कर दो. प्रोजेक्ट के अंदर लाजमी बात है कि मैंने पहले बता दिया कि ये क्वालिटी और ये सब कुछ जो बातें हम कर रहे हैं इसका सिर्फ प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं है, और भी चीजें हैं. तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स में अमूमन हमारी कोशिश ये होती है कि या तो इनमें बैलेंस हो क्वालिटी और ग्रेड में, या हमें कोई और इसमें इनपुट मिले. जो मतलब टीम का इनपुट होना बहुत जरूरी है. ये जो डॉक्यूमेंट बनते हैं ये टीम की मौजूदगी में और टीम की मदद से. फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जी प्रिवेंशन ओवर इंस्पेक्शन का. देखिए मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, क्वालिटी कंट्रोल है और क्वालिटी एश्योरेंस है. तो पुराने जमाने में क्वालिटी एश्योरेंस तो खैर कोई बात ही नहीं करता था, लेकिन क्वालिटी जो क्या कहते हैं उसकी कंट्रोल ही होती थी. और इसकी कहानी इट गोज बैक टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर. शॉर्टेज मार्केट में है बहुत ज्यादा, जंग खत्म हो चुकी है. जो मर्द हजरात गए हुए थे, अब बच्चे थे यहाँ पे, खुवातीन थी, बूढ़े थे, वो लोग ना पीछे मुल्कों में, अब वो लोग जंग से जो फारिग होके आए. तो अब आप पहले तो ये देखें कि डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जो डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, सप्लाई थी कोई नहीं मार्केट में, चीजों की नीड थी लेकिन फैक्ट्रियां बंद थी. एक तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई कि ये लोग जो अभी जंग करके वापस आ रहे हैं ये फिर अपना सुपीरियर नॉलेज इस्तेमाल करेंगे. सुपीरियर नॉलेज क्या, ये वो नॉलेज है जो कि आप कहते हैं कि जी ये स्पेशलाइजेशन चाहिए हमें इस काम के अंदर. तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें आ जाते हैं. अच्छा अब उस वक्त उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे रोटी नहीं थी लोगों के पास, उन्होंने कहा जी सबको रोटियां दे दो. अब वो भूखे बैठे हुए सारे लोग और आप उनको रोटियां दे रहे हैं, कोई जनाब मोटी है, कोई पतली है, कोई ऐसी है, कोई वैसी है, कोई कंसिस्टेंट नहीं है, और कई दफा तो ठंडी रोटियां आप दे रहे होते हैं लोगों. अब क्या है उसका रिएक्शन क्या होगा, लोग रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए. लेकिन अगर तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, कभी भी कोई रिफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि आप छोड़ के देंगे अगला खरीद के ले जाएगा. तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि खाली डिसीजन आप डिलीवरेबल की बेस के ऊपर ले लें. इंस्पेक्शन आखिर में होगी, वहां पे पकड़ा जाएगा जो गलती हो.
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियाती तदाबीर। इंस्पेक्शन तो होगी डिलीवरेबल की एंड में, उसे करने दें, लेकिन आप चीजों को प्रिवेंट करने के लिए क्या इकदाम आपने लिए। प्रिवेंशन इज प्रेफर्ड ओवर इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शनों के चक्कर में चले गए, चीजों का पता चलता है कुछ नहीं, पहले आप ब्रीफिंग लिए पूरी तरह से चीजों को समझें और उसके बाद। इट इज बेटर टू डिजाइन क्वालिटी इन टू द डिलीवरेबल, डिलीवरेबल के अंदर चीज इतनी फाइन और क्वालिटी अच्छी हो, फादर रादर देन टू फाइंड क्वालिटी इश्यूज ड्यूरिंग इंसेप्शन। द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मिस्टेक इज जनरली मच लेस देन द कॉस्ट ऑफ करेक्टिंग मिस्टेक। ये बात भी हम कर चुके हैं कि अगर कोई चीज गलत होगी तो शुरू की स्टेजेस में तो शायद कम पैसे लगे, लेकिन बाद में इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड द इंडस्ट्री एरिया, द प्रोजेक्ट टीम मे नीड अ वर्किंग नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिकल कंट्रोल प्रोसेसेस टू एवेल्युएट द डेटा कंटेंट इन टू द क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी। तो ये एनालिसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बन के निकल। प्रिवेंशन की हद तक जो आपकी नाक के नीचे काम हो रहा है, आपके सूबे में, आपके इलाके में हो रहा है, तो उसका आपको पूरा फ्लो पता होना चाहिए, कितना पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, क्या स्पीड थी, क्या हिसाब किताब था, किन दिनों में किस तरह का मौसम हो तो फिर जानवर आते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स टू जनरली मच लेस देन द एक्चुअल करेक्टिंग मिस्टेक मेक्स व्हेन यू आर फाउंडर बाय इंस्पेक्शन आर ड्यूरिंग डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इंडस्ट्री एरिया, द प्रोजेक्ट टीम मे नीड अ वर्किंग नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिकल कंट्रोल प्रोसेस। आपको भी और आपके लोगों को भी स्टेटिस्टिकल टूल्स का अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए। ओके जी, ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं प्रिवेंशन और इंस्पेक्शन से रिलेटेड। एक है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन तो लाजमी बात है कि एहतियाती तदाबीर है, काम से ताल्लुक रखता है, तो ये हम निगोशिएट कर सकते हैं कि जी ये हमारे जो आपके पास लोग हैं उनको इस तरह से ट्रीट करें। फिर है एट्रीब्यूट सैंपलिंग, ये वही चीज है जिसको हम कहते हैं कि जी ये हमने सैंपल साइज सिलेक्ट कर लिए। द सैंपल साइज शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। पर मैं देखता हूँ जो मैं फेसबुक पे इंटरनेट के ऊपर खासतौर पे जो चीजें मैं वहां पे लिखता हूँ वो वही चीजें हैं जो पहले गिवन होती थी साथ। फिर हमें टॉलरेंसेस का अंदाजा होना चाहिए कि क्या हदूद हैं जिनसे बाहर आप क्वालिटी से बाहर निकल जाएंगे, ये भी बात डिस्कस हो चुकी है। अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है जी एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। टू बेस्ट अंडरस्टैंड दिस लेट अस सी दिस डायग्राम। अगर आप निशाना लेके बुलजाई में गोली मारते हैं और आपकी सारी की सारी गोलियां बुलजाई के ऊपर जाके लगी, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एक्यूरेसी है। This is high accuracy and high precision. Precision क्या है? जो चीजें या मिसाल के तौर पे अगर ये चार्ट इस तरह का है, इसके चार सेक्शन आपने किए हुए हैं, सबसे टॉप लेफ्ट का नाम रखा है कि ये हमारी वो हैं इंडिविजुअल कॉस्ट हैं, फिर आपने उसका स्केड्यूल मेंटेन रखा, फिर कोई और चीज रखी, मतलब जो भी कोई चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है वो आपने सारी देखी। अगर आपका निशाना तो अच्छा है लेकिन आपकी जो राइफल है उसकी साइट टेढ़ी है, फौरन चेक करवाने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन में हम ये चांसेस नहीं ले सकते। फिर जनाब प्रिसीजन आपको नजर आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है।
पांच एक मिनट का ब्रेक कीजिएगा जी, मैं फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। जी जनाब, यहां तक कोई डाउट है? जी प्लीज रेज हैंड इफ इफ देयर इज एनीथिंग जो आपको तंग कर रही है। आप लोग सब कंफर्टेबल हैं? क्वालिटी सबको पहले से आती थी? कितने लोगों के लिए ये सब्जेक्ट नया है? प्लीज रेज हैंड्स। सात खान, और कोई? ओके शिराज, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप तो खैर मास्टर वगैरह भी अभी करके आए हैं, आप क्या समझते हैं कि क्वालिटी का कोई जॉब, कोई जॉब पे कोई असर पड़ता है, और जो कुछ आप करते हैं उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है? सर बिल्कुल सर, क्वालिटी मैंने मास्टर्स में पढ़ी है, इट वाज वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स, एंड जो चीजें सर इससे पहले आपने स्लाइड्स में पढ़ाई, और खास तौर पे जो स्लाइड अभी विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, इट इज वेरी फेमिलियर। एंड जहां तक अफेक्ट की बात है, क्वालिटी हैज लॉट ऑफ अफेक्ट। हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ा था, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट वॉज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और जो बीच में आपने दो कॉन्सेप्ट, दो चीजें बताई, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और प्लान डू चेक एंड एक्ट, ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स जो होते हैं ये बहुत जरूरी हैं सर फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर एनी प्रोजेक्ट विच इज बीइंग अंडरटेकन। तो ये हमने सर इस पे आई वुड से कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो जो आपने एक डिफरेंस बताया इस चैप्टर का बाकियों से, कि ये जो मैनेज क्वालिटी वाला सब्जेक्ट है दैट इज डन इन द एग्जीक्यूशन, वो और उसके दौरान जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस बड़ी जरूरी है, जिसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, और जो दूसरा है कंट्रोल वाला, वो क्वालिटी कंट्रोल है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, जो भी आपने समझाया। तो मैं ये समझता हूँ सर कि ये थ्योरेटिकल चीज नहीं है, इसको प्रैक्टिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं यही एम्फसाइज करना चाहता था कि इन चीजों को हम वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, ये क्वालिटी है, ये सब्जेक्ट है। क्वालिटी कोई सब्जेक्ट की बात नहीं है, क्वालिटी बजाते खुद एक बहुत बड़ा हाथी है। मतलब ये है कि आप दिल पे लगाते ना क्वालिटी को, इसलिए आपको तकलीफ नहीं होती। अगर आप दिल पे लगाएं तो आप कहें कि यार ये तो मैं नुकसान हो गया, इसमें लुट गया। मतलब यू कैन अर्न मोर मनी एंड बेटर मनी अगर आप थोड़ा सा अपनी क्वालिटी का ख्याल रखें। क्वालिटी में मतलब हमारे यहाँ तो कल्चर ही नहीं है ना, यहाँ तो दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहता लेना लो, नहीं तो भाग जाओ इधर से। यहाँ पे तो हंस के बात करना भी गुनाह है क्लाइंट के साथ। तो जहां पर कंपटीशन अच्छा होता है, मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, वहां पर लोग चूजी हो जाते हैं ना। असल में क्वालिटी जन्म ही वहां लेती है, जहां पे मतलब आपको उतना ही आटा मिले जितना आपको जरूरत है। भाई आटा ज्यादा हो
पड़ा हुआ हो, महंगा भी हो, सस्ता भी हो, अच्छा भी हो और भी अच्छा हो, तो फिर जिसका जो जिसके जो बस में आता है वो ले ले, कोई इम्पोर्टेड आटा खाना चाहता तो खा ले। लेकिन आम आदमी के लिए कोई और क्वालिटी है, अमीर आदमी के लिए कोई और क्वालिटी है, ये होता है। दे डिफाइन देयर ओन लाइंस कि हमें क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से ये सब ड्रामा बनता है। अच्छा जी, एक अगला कॉन्सेप्ट है, ये है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का, जो कि हम टूल्स के तौर पे भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि क्वालिटी की दो तरह की कॉस्टें हो सकती हैं। एक को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और एक को कहते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो जो गुड क्वालिटी है उसको कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस भी कहते हैं, और जो पुअर क्वालिटी है उसको हम कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस भी कहते हैं। दोनों में दो दो टाइप्स हैं। कंफॉर्मेंस देखिए, इसमें सारी एश्योरेंस की एक्टिविटीज आ जाएंगी, इसके अंदर वो तमाम इकदाम आ जाएंगे कि जिसके अंदर आप उस एजुकेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। अब आप यहां देखें, वो कहते हैं प्रिवेंशन का मतलब है, मिसाल के तौर पर मैंने ऑडिट की टीम को बुलाया, ठीक है जी आके आप ऑडिट कर दें, तो वो जो ऑडिट की टीम आएगी उनसे लोग जो बातचीत करेंगे, वहां फैसिलिटेशन होगी, वहां पे ट्रेनिंग भी होगी, डॉक्यूमेंट भी कुछ एक्सचेंज होंगे, सारा कुछ होगा। तो बुनियादी तौर पर प्रिवेंशन कॉस्ट जो है वो इन चीजों को कवर करती है कि तैयारियां कैसी हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेस कैसा अच्छा हुआ हुआ है, अच्छी तरह से बने कि नहीं है, इक्विपमेंट क्या क्या है, कहाँ है, उसकी कॉस्ट क्या है और कितना टाइम लगेगा इस चीज को ठीक करने। तो ये वो चीजें। फिर प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट है कि ऐसा वाया मीडिया कोई तरीका निकाला जाए कि गलती के होने से पहले ही या जो ही उसका एहसास हो जाए तो हम फौरन अपने बच्चों को बताएंगे, जनाब ये देखना जरा बाथरूम में टाइल टूटी हुई है कहीं गिर ना जाना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरीके के साथ हम यहाँ क्वालिटी सर्टन करते हैं। अप्रेजल कॉस्ट, जिन ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कराया, जो टेस्टिंग आपने कहा ना कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है या कोई और टेस्टिंग है, तो उसके आपने बकायदा तजर्बे किए, इंस्पेक्शनें की, सब कुछ करके, और ये आपका पूरा सेट बन गया आपके कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अच्छा, अब दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में एक और चीज भी आ रही है, किधर गया, हाँ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की हम बात कर रहे थे, किधर चला गया ये। तो अप्रेजल कॉस्ट आ गई, ये दोनों को मन जमा कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे इसने हमें सिक्योर किया कि हमें पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे, इसने हमें सिक्योर कर दिया, चार पैसे ले लिए लेकिन सिक्योर कर दिया कि अब बात समझ आ गई। इसी तरह कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस है पुअर क्वालिटी की कीमत, मतलब आपने बाकी तो बड़ा जबरदस्त सारा सिस्टम रखा हुआ है लेकिन आइटम आपके डिफेक्टिव निकलते हैं, स्क्रैप हो जाते हैं, तो ये इसको मद्देनजर रखने की जरूरत है कि इंटरनल फैक्टर जो है बड़ा की रोल प्ले करते हैं। फिर एक्सटर्नल जो फेलियर कॉस्ट है उसके अंदर मिसाल के तौर पे वर्किंग फ्रॉम होम है, वर्किंग फ्रॉम व्हाटएवर, तो कहने का मकसद है कि ये आप इस रिस्क को एड्रेस कर सकते थे। जो इंटरनल फेलियर है उसमें तो बुनियादी तौर पे चीजें अगर ठीक नहीं होंगी तो रिवर्क के लिए या स्क्रैप में भेज दी जाएंगी, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं लायबिलिटीज आ जाती हैं, वारंटीज आ जाती हैं, लॉस बिजनेस आ जाता है, तो ये सब चीजें जो हैं इसको मलूज खातिर रखते हुए हम इसको इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। नए ट्रेंड इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, मैनेजमेंट जिम्मेदारी को लेनी चाहिए हाईएस्ट लेवल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ जो है वो खुद एक तफसीली डॉक्यूमेंट लिखे और उसके साथ वो मुझे शेयर करें। ओके जी।
कंफॉर्मेंस में हम एक चीज देखते हैं, कहते हैं कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और साथ साथ वो जिस मकसद के लिए वो चीज बनाई जा रही है उस मकसद को तो पूरा कर सके। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने कहा प्लान डू चेक एंड एक्ट का साइकिल है, और भी बहुत से डिसिप्लिन इस ये जो आपका डेटा था इसको एनालाइज करने के लिए रॉलेंट अपकार है। नेशनल जो आपका ये है पी प्लानिंग कमीशन वालों का क्या इदारा है, वो सारे का सारा रिसर्च बेस्ड इदारा है, और आप इसको साइकिल को इंप्रूव करते जाते हैं और नई चीजें लर्न करते जाते हैं और उसको आगे लेके चलते जाते हैं। और भी नए डिसिप्लिन बहुत से हैं, TQM जैसे शिराज ने बताया कि इन्होंने पढ़ा है, पढ़ा तो जरूर है, अप्लाई भी कर रहे हैं कि नहीं किया, तो यहाँ फिर सिक्स सिग्मा की जरूरत है तो वो अप्लाई करने, लीन सिक्स सिग्मा की तो वो करने, कोई भी इस्तेमाल करने, और बल्कि अभी तो इन्होंने एक एप्लीकेशन बना दी है और उसके अंदर यहाँ पे आप खुद ही काम करते हैं, बल्कि उसके साथ एक कीबोर्ड बोर्ड अटैच करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें आपकी सिक्योर है सारी। ये ट्रेंड एंड सक्सेस रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि स्टेक होल्डर जो है वो की स्टेक होल्डर उसको भी जरूर शक्ल दिखानी चाहिए एक दफा क्लास के अंदर। खैर जी, प्लान क्वालिटी जो हम बात कर रहे थे, ये प्रोसेस है जी, कोई भी मैनेजमेंट प्लान होगा तो उसमें चार्टर तो होगा, चार्टर आ गया, प्रोजेक्ट प्लान होगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होगी, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल प्रोसेस, ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जहां जहां से भी बन रहे हैं वो आप यहाँ पे हम ले आते हैं। फिर है जी इसके टूल एंड टेक्निक्स, इस पर जजमेंट तो है ही है, डेटा गैदरिंग के टूल हम पहले पढ़ चुके हैं, और बेंचमार्किंग यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो जो हम एक बात करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, डेटा गैदरिंग के जो टूल्स हैं, बेंचमार्किंग का मतलब है कि अपने कंपटीटर्स अगेंस्ट अपने आप को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि बाकियों की लाइन में आप कहाँ खड़े हैं और आपको मजीद कितना इम्प्रूव करना है मार्केट लीडर बनने में। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी इस्तेमाल है, इंटरव्यूज का भी इस्तेमाल है, डेटा एनालिसिस में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इन दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता है। सब डेटा की रिप्रेजेंटेशन है, डिसीजन मेकिंग है, और वही टेस्ट एंड इंस्पेक्शन प्लानिंग, ये यहाँ पे हो रही है प्लानिंग के अंदर। और फिर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान निकला, क्वालिटी मीट्रिक में बुनियादी तौर पे ये दो चीजें, बाकी जो दो चीजें हैं वो भी हो सकती हैं जब उसके साथ ही इसका सो जाए। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये चीजें, गवर्नमेंट एजेंसी की रेगुलेशंस, न्यू रूल्स, पॉलिसी स्टैंडर्ड, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये चीजें आपको पहले भी नजर आई होंगी इस्तेमाल होती हुई, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दी गई। टूल्स में वही चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो कहता जी कि एक्सपर्ट जजमेंट में हमें इन मामलात के ऊपर, क्वालिटी रिलेटेड मामलात के ऊपर लोगों से राय चाहिए हो सकती है। डेटा गैदरिंग के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का तरह के टूल है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि आपस में बातचीत करके खुल के फ्रेंकली हम बहुत सी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ना सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं बल्कि जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट खुद ब खुद हो जाती है। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जहां आपको क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है वहां अपनी टीम को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएं, और उनको यही जो हैट्स मैंने आपको बताएं, आप हैट्स के डिफरेंट कलर रखें और उसको एक्सचेंज कर, मीटिंग में आप वो हैट पहन के बैठे और वो आपको पता होगा ये लाल वाला है तो इसमें मुझे इमोशनल सोचना है, ठीक है जी, ग्रीन वाला है तो ये कुछ और है।
अच्छा जी, इधर जब हम आते हैं शेड्यूलिंग टेक्निक्स में, तो डिसीजन मेकिंग है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है, डेटा रिपोजिटरीज हैं, बस यही कुछ है कि क्वालिटी के हवाले से। इनपुट के बाद टूल्स भी आ गए। टूल्स में देखिए अल्टरनेटिव एनालिसिस भी है, पढ़ चुके हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस है, प्रोसेस एनालिसिस है, और प्रोसेस एनालिसिस करना क्वालिटी एश्योरेंस वाले का काम। रूट कॉज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इससे आप एक चीज की जगह की जड़ तक जा पहुंचते। डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे हो सकती है, एफिनिटी डायग्राम से हो सकती है, कॉज इफेक्ट डायग्राम से हो सकती है, फ्लो चार्ट, हिस्टोग्राम, मैट्रिक्स डिग्रीज आर सो ऑन एंड सो फोर्थ। जनाब ये कुछ है क्वालिटी के अंदर। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, वैसे तो हम तकरीबन कवर कर लेंगे, लेकिन अगर एक आध दिन एक्सटेंड करना पड़ा तो कोई मसला तो नहीं है किसी को? प्लीज रेज हैंड्स। जी ओके वलीद, आप आर ओके साथ सबशार और वलीद ओके चलें ठीक है। शादी एक मिनट, 5 मिनट का मैं स्लाइडें चेंज कर लूं, गिव मी 5 मिनट्स। अच्छा जी, यहां तक अभी तक जो बातचीत हमने की है, क्वालिटी का चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है?
मैं रिसोर्स की तरफ जा रहा हूँ जी, हमारे पास है कुछ टाइम तो रिसोर्स को हम कंप्लीट करते हैं। रिसोर्स में पहले इस चैप्टर का नाम हुआ करता था फोर्थ एडिशन तक, फिफ्थ एडिशन तक, इसका नाम था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स जो बाकी रिसोर्स हैं, बाकी चीजें, मशीनें, गाड़ियां, टूल्स, इक्विपमेंट वगैरह, इसको एज सच कोई अलग नॉलेज एरिया डील ही नहीं करता था। इट वॉज कंसिडर्ड कि जिस वक्त स्केड्यूल डेवलप हो रहा है तो वहां ड्यूरेशन एस्टिमेट होंगी, तो वहीं भी एक प्रोसेस होती थी कि जी अब यहां पे आप रिसोर्स भी एस्टिमेट करते हैं। तो रिसोर्स बुनियादी तौर पे एस्टिमेट वहीं होता था। अब इन्होंने ये किया, और जो ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर था वो प्योरली सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स से डील करता था, दूसरे रिसोर्स से डील ही नहीं करता था। तो ये थोड़ी सी एबनॉर्मैलिटी थी जिसको इन्होंने अब खत्म कर दिया और इसका बाकायदा रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से एरिया दे दिया। इसका मतलब है कि दिस रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन रिसोर्स होगा तो उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर मशीनें होंगी तो उन्हें स्टोर आइटम की तरह पे डील किया जाएगा या ट्रीट किया जाएगा, और दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ है। ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि आपको पता है ना कि ह्यूमन रिसोर्स तो इंटेलिजेंट रिसोर्स है, उसके साथ तो हमें बातचीत करनी पड़ती है। अब मैं कोई मतलब मोटरसाइकिल से तो बातें नहीं करूंगा, उससे तो नहीं पूछूंगा कि तुम कैसे काम करती हो, क्या हिसाब किताब है। तो मतलब ये जो चीजें हैं, गिनती बेलचा हो गया, वो स्टोर में पड़ा हुआ है, वहां से इशू करना है आपने, आपको पता होना चाहिए रिसोर्सेज कहाँ है, कैसे आएंगे और कितने अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से हम बात हिसाब किताब कर लेते हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, इसमें तमाम रिसोर्सेज को जो रिक्वायर्ड हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, एक्वायर करना, फिर मैनेज करना, नीड्स द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दीज प्रोसेसेस हेल्प इंश्योर दैट द राइट रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू द प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट टीम एट द राइट टाइम और प्लेस। यहां देखिएगा कितनी सारी प्रोसेस हैं, छह प्रोसेस हैं, जिनमें से प्लानिंग में प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट होता है और एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज। ये जो एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज है, पहले कहां होता था, ये स्केड्यूल के अंदर होता था, ड्यूरेशन एस्टिमेट के साथ ही ये रिसोर्स एस्टिमेट भी किए जा सकते थे। अब उसको अलग इन्होंने कर दिया और उसको बकायदा नॉलेज एरिया दे दिया, और उसमें एक तो रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान बन रहा है जिसमें सारी सारे रिसोर्सेज की बारे में गाइडलाइन है, और फिर आप तमाम रिसोर्सेज का एस्टिमेट लगाते हैं। फिर जब हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो इन तमाम रिसोर्सेज को एक्वायर किया जाता है, और एग्जीक्यूशन ही में फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी टीम डेवलपमेंट और उनकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इसके पास है, रिसोर्स मैनेजमेंट। और एक और चीज जो हम यहां करते हैं वो हम रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, मतलब रिसोर्स जो बेजान रिसोर्स है उसका तो गिनती हो रही है ना, उसका गिनती का हिसाब किताब पूरा रखना, इन्वेंटरी जैसे स्टोर में जाके चेक करते हैं कोई चीज है या नहीं है। जहां तक ह्यूमन रिसोर्स का ताल्लुक है वहां कहानी बहुत बदल जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को अब जब इंटेलिजेंस रिसोर्स से डील करना है तो उसको उसको समझना भी होगा, धुतकार भी नहीं सकते, तो इन लोगों को अवेयर होना चाहिए इसके बारे में और क्या फैक्टर्स हैं जो जिनका इंपैक्ट प्रोजेक्ट पे पड़ता है। एक तो आपकी टीम की एनवायरमेंट, देखें अगर एक ही कमरे में सारे लोग जिन्होंने काम करना है वो बैठते हैं और उन्होंने कोई एक खास अपना कोड रखा हुआ है ड्रेस का, बहुत अच्छी बात है। तो टीम एनवायरमेंट हो सकती है, ज्योग्राफिक फैक्टर का मतलब है कि आपके पास जीआईएस का डाटा मौजूद हो
और आप उसको उसमें डाल के और उससे ये फाइंड करने की कोशिश करें कि ये कौन सी मशीन ये काम कर रही है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप जो ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो आपको फिर इन रिसोर्सेज को मैनेज करना, और खास तौर पे वो रिसोर्सेज जो कि आप शुरू में ही उठा चुके हैं अपने लिए। उसमें ज्योग्राफिक फैक्टर्स हैं, लोग कहाँ प्लेस्ड हैं, उससे भी फर्क पड़ता है कि वो फेस टू फेस शायद ना आ सके। फिर हमारे पास कम्युनिकेशंस हैं, उनके जरिए भी बहुत सी चीजें हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, इसको समझना होगा और इसके हिसाब से हमें चलना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिकनेस है, याद रखिए भले हम 100 अल्फाबेट में सोए लेकिन जो उसका काम है वो से करना होगा। टीम एनवायरनमेंट इसका आपको मिलता है प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट फ्यूचर दैट इन्फ्लुएंस द टीम। टीम एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफिक लोकेशन है, कम्युनिकेशन अमंग स्टेक होल्डर्स है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, इंटरनल एक्सटर्नल, इसीलिए हमने ये चीजें मंगवाई हैं। कुछ और इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट मेथड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम है। यहां आप देखिए आपको एक जबरदस्त इम्तजाज मिलेगा कि हर चीज तकरीबन, मतलब आप पहले कभी कंप्यूटर में काम करते रहे तो आपकी टेबल में जगह जगह कीलें निकली होंगी, अगर आप कोई और काम करते रहे हैं तो आपका उसके ऊपर ही यकीन हो जाता है। तो दिस इज नॉर्मल। ओके जी, फिर वर्चुअल टीम्स है इसका टूल। ये उस सूरत में जब आपकी टीम डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्लोबली तो वो लाजमी बात है, ये नुकसान तो रहेगा कि आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन कई बार बगैर देखे काम करना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि इसमें क्या चीज बनने वाली है। कंसिडरेशन जो है एक मिनट जरा, थोड़ा फिर स्टक हो गया कंप्यूटर। ओके ओके, टेलरिंग कंसिडरेशन में कहता है बिकॉज ईच प्रोजेक्ट इज यूनिक, प्रोजेक्ट मैनेजर विल नीड टू टेलर द वे प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर अप्लाइड। कंसिडरेशंस फॉर टेलरिंग सर्विसेज इंक्लूड डाइवर्सिटी को कवर करें, फिजिकल लोकेशन आपकी क्या होगी, वर्चुअल है फिजिकल है क्या है, फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, एक्विजिशन ऑफ टीम मेंबर अगर हायर करने तो उस प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, और लाइफ साइकिल की अप्रोचेज, ये स्कोप के अंदर ही कवर हो जाता है। और एजाइल में अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट विथ हाई वेरिएबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम टीम स्ट्रक्चर आर, इसको मैक्सिममाइज किया जाता है, फोकस को और कोलैबोरेट किया जाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट लाइक एनी अदर मैनेजमेंट, चार्टर आ गया, प्रोजेक्ट प्लान आ गया, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आ गया, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स आ गया, करते हैं यहाँ क्या है कि हम यहाँ पे इनपुट में हमारे पास प्रोजेक्ट का चार्टर है, प्रोजेक्ट प्लान है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं और वो सब कुछ। टास्क एंड टेक्निक्स में एक्सपर्ट जजमेंट इस्तेमाल, ऐसे याद रखिए अभी मैं प्लान बना रहा हूँ रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो यहां पर हम ये सारे इनपुट्स को इस्तेमाल करते हुए जिसके अंदर
जो स्केड्यूल बन गया है तो वो भी आ गया है, और रिस्क रजिस्टर वो भी आ गया, तो अपडेटेड हो जाएगा। टूल्स में एक्सपर्ट जजमेंट है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, आप हायरार्की का कोई तरीका कार इस्तेमाल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस असाइनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट जो है ये भी मैट्रिक्स जो है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात है, ये भी गलबन लगता है कुछ चीज ऐसी है जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और मीटिंग्स और नतीजे में रिसर्च मैनेजमेंट प्लान, टीम चार्टर, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, उनके अपडेट में अजम्पशन और रिस्क रजिस्टर आ जाता है। टूल्स में आप ये देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी टूल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स जो हमने बात की थी वो भी टूल है, रोल डिस्क्रिप्शन जो है वो भी टूल है, और भी टूल हो सकते हैं, मगर जैसे कि ये जो एक सैंपल प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया गया है उसमें इसी किस्म के टूल। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स में हम बुनियादी तौर पे लोगों को असाइन करते हैं सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स, ओके। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन चार्ट्स, नॉर्मली एजाइल में हम ये करते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन को रिड्यूस कर देते हैं और जो भी चार्ट्स बना के आप लगाते जा रहे हैं उनकी हम रोजाना के रोजाना तस्वीर खींचते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट बन जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है और ये अब ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलीट नहीं है, ये भी उतना ही यूजफुल है। फिर हमारा होता है स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान कि लोगों ने कहाँ से आना है, कहाँ से उनको ड्यूटी से निकाल के दूसरी जगह पे भेजना है या कोई और हिसाब किताब है, ये उसमें आ जाता है। स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान में स्टाफ को, अब ये ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, इस रिसोर्स को एक्वायर कैसे किया जाएगा, इस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कैलेंडर पे कैसे शो होगी, लाजमी बात है जिन जिन दिनों वो आपके प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए अवेलेबल है और जिन टाइमों में अवेलेबल है वो रिसोर्स कैलेंडर शो कर देगा, तो जब उसकी कमिटमेंट भी लगा रहे हैं आप तो वो उस पीरियड में जो उसका काम करने का नहीं है वो उसकी तरफ चला जाता। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट हम करते हैं लोगों की, फिर उनको रिकग्नाइज और रिवार्ड करते हैं, कंप्लायंस देखते हैं कि किस हद तक इन्होंने कंप्लाई किया है अपने काम के साथ, और फिर सेफ्टी की रिक्वायरमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको अक्सर नजर आती है। ओके, ये आपको याद होगा ह्यूमन रिसोर्स का ये एक चार्ट है, रिसोर्स हिस्टोग्राम, ये जब हमने बनाया था गैंट चार्ट बनाया था तो मैंने कहा रिसोर्स लोड करें और उसके हिसाब से उसकी बारे बना लें और फिर एक जगह पे लाइन लगा के हम कहते हैं जी यहाँ पे हम कट करें, इसको कहते थे रिसोर्स स्मूदिंग। तो ये मैं वहां पहले कवर कर चुका हूँ रिसोर्स स्मूदिंग को भी और रिसोर्स लेवलिंग को भी, इसी तरह मैंने फास्ट ट्रैकिंग को भी कवर किया हुआ और इसको क्या नाम है इसका क्रैशिंग को भी किया हुआ। ऑर्गेनाइजेशन का जो कोई भी स्ट्रक्चर है उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि जी फंक्शनल स्ट्रक्चर नॉर्मली होता है तो वो किस हद तक, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले सेकंड चैप्टर में था शायद लाइफ साइकिल वाली बात भी, तो इसलिए मैं इसको भी ज्यादा जोर नहीं देता। रिवार्ड सिस्टम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दो किस्म के सिस्टम होते हैं रिवार्ड के, एक एक जो होता है वो आपका एक्सट्रिंसिक सिस्टम है जो कि बाहर से है, इसमें लोगों को क्या इंटरेस्ट होता है, हमें तनख्वाह मिल रही है, हमें अच्छी वर्क कंडीशन मिल रही है, स्टेटस मिल रहा है। याद रखिए कि ये जो एक्सट्रिंसिक चीजें होती हैं
ये चीजें जाहिर होती नजर आती और ये लोग इसको बाय डिफॉल्ट अपना हक समझते एक्सटेंसिव चीजों को, मगर इनसे मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक जो है वो चीजें जाहिर तो नहीं होती लेकिन आपको उनका एहसास होता है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई काम मुकम्मल किया, मुझे बड़ा अचीवमेंट का एहसास हुआ, आई फील इन्फ्लेटेड, जिम्मेदारी का एहसास, आगे बढ़ने का, एडवांसमेंट का एहसास। मैनेजमेंट स्टाइल ये भी हम बात कर चुके हैं ज्यादा तफसील में, इसको मैं छोड़ता हूँ। लीडरशिप वगैरह हम कर चुके हैं। मैस्लो थ्योरी को एक दफा देख लीजिए, ये मेरे ख्याल आपके काम आ सकती है। इसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं। वो कहते हैं कि लोगों की जो जरूरियात हैं उनको ग्रुप किया जा सकता है 5 ग्रुपों में और पैरामिड की सूरत में। सबसे जो लोअर लेवल नीड है वो साइकोलॉजिकल नीड है, या इसको हम बायोलॉजिकल भी कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल में हमारी जो मतलब जिबिलत है, भूख लगती है, खाना खाना है, फलाना काम करो, सर्दी लगती है तो कोई कुछ ओढ़ना है, ये आपकी जिबिलत वाली चीजें हैं। और सबसे पहले आपको इसी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब आपकी ये नीड पूरी हो जाती है तो फिर आपको कि जी सेफ्टी मेरी क्या है, मतलब कोई आपको गार्ड चाहिए, कोई और ऐसा हिसाब किताब हो। तीसरा है आप सोशलाइज करते हैं अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ और उनसे लर्न करने की कोशिश करते हैं। और आखिरी है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन काम करते हैं। मैस्लो के बाद मैक्ग्रेगर भी मैस्लो वाली ही बात कर रहा है, लेकिन एक जो मेजर फर्क है इसमें और बल्कि एक जो आइडिया यहां से निकलेगा वो है मोटिवेशन। वो यहां पे ये बात कर रहा है कि आपके पास 2 किस्म के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। एक दोनों एक्सट्रीम लिमिट्स उनकी ये हैं कि से के थ्योरी एक्स को इस्तेमाल करें। वो कहता है कि लोग जो हैं वो इनहेरेंटली डॉजर हैं, काम नहीं करना चाहते और वो मुफ्त ही खाना चाहते हैं। किसी हद तक शायद ये अप्लाई आपकी दूसरी चीजों पे भी होती हो, लेकिन एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर तो हमें इस नॉलेज में कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। पे बैक थ्योरी जेड की बात करें तो ये बिल्कुल अपोजिट है थ्री एक्स के। थ्योरी वाई के अंदर हम उन चीजों को फोकस करते हैं कि ये बंदा जो मर गया या नहीं मरा जो भी कोई इसका हिसाब किताब हुआ है, ये काम करने में कितना ईगर था। तो जनरली थ्योरी वाई ये कहती है जो वर्कर है ये इनहेरेंटली तैयार है काम करने के लिए और इसको ड्राइव देने की जरूरत है, मौके फराहम करने की जरूरत है। एक्वायर रिसोर्सेज, अब जब मैं एक्वायर रिसोर्सेज कहता हूँ ये एग्जीक्यूशन में होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पहले भी बात की थी कि रिसोर्सेज तभी मोबिलाइज होते हैं जब उनकी जरूरत हो, और जो डेट है उससे बैकवर्ड कैलकुलेट करके आप इसकी डेट निकालते हैं कि जी अभी तो कितना टाइम बाकी है, तो उसमें कितना टाइम आपको लगेगा उस बंदे को हायर करने में या कोई भी इस तरह की कार्रवाई करने में। एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज बिल्कुल उसी तरह जैसे एस्टिमेट ड्यूरेशन की बात की थी हमने, बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन अब हम रिसोर्सेज निकाल रहे हैं इंडिपेंडेंटली और ये रिसोर्सेज आपके जो जब जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे उनको ग्रुप कर सकते हैं। ये जनाब वही सब चीजें और टूल्स में एक्सपर्ट जजमेंट है। और ये आप देखिए बॉटम अप एस्टिमेटिंग भी है, एनालॉगस भी है, पैरामीट्रिक भी है, डाटा एनालिसिस, अल्टरनेटिव मेथड, सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
ओके जी, ये एज सच ये रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो इसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी जाए, प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका चार्ट बना लिया जाए, और शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्लान, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, और उससे आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। फिर फंस गया कंप्यूटर। एंटरप्राइज मॉडल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, यहां पे हम लोगों को जब नए को हायर कर रहे हैं तो उनको प्री असाइन करके काम देखते हैं, अच्छा इस सेटिंग में बैठ के ये काम करके दिखाओ, या टीम के साथ इन यूनियन उनके साथ काम करके दिखाओ। निगोशिएशंस हो सकती हैं, एक्विजिशंस हो सकती हैं, और वर्चुअल टीम जैसे हम पहले भी कहा। ओके, रिसोर्स कैलेंडर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वो जब एक रिसोर्स अवेलेबल होता है तो फिर हमें उसके एग्जैक्ट आवर्स पता चल जाते हैं कि ये कितने दिन के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर अवेलेबल होगा, ताकि उसके रिलेटेड जो काम है वो उसी वक्त हो सके। फिर आप प्रोजेक्ट टीम बनाते हैं। अच्छा, यहां से ना टीम को बनाना और उसको मैनेज करना, मैनेज टीम का प्रोसेस आ जाएगा। ये सब आपके एग्जीक्यूशन के अंदर होता है, ठेकेदार हो, बंदा हो, या कोई भी हो। पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो ठीक हो जाएं। प्रोजेक्ट टीम को डेवलप करने के लिए पहली दफा जब आप प्रोजेक्ट टीम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको शदीद कॉन्फिडेंस आपने देना। अच्छा, ये दो प्रोसेस हैं जी, डेवलप टीम और मैनेज टीम, इनका ताल्लुक ह्यूमन रिसोर्स से है। यहां पर जिस वक्त एक्वायर तो हो गए ना, भले वो ह्यूमन रिसोर्स थे या वो दूसरे रिसोर्स थे, वो एक्वायर हो गए। अब हमने टीम को तैयार करना है, टीम को तैयार करने के लिए कहते हैं जी डेवलप टीम। और डेवलप टीम के अंदर हम ना सिर्फ ये कि वो तमाम लोग जिन्होंने यहाँ काम करना है उनको हायर कर लेते हैं, बल्कि उनको कमिट भी कर देते हैं कि जी बीच में अब कोई चेंज नहीं आएगी। वही चीजें हैं सारी। मैनेज टीम है, ये वो जगह है। अच्छा, जब टीम बनती है ना, पिछले स्टेप में बनी थी, इट गोज थ्रू फाइव स्टेजेस। फॉर्मिंग, जब टीम फॉर्म की जाती है, फिर वो आपस में झगड़ते हैं, स्टॉर्मिंग, फिर वो सेटल डाउन होते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, इसे कहते हैं नॉर्मिंग, और आखिर में फिर अल्टीमेटली फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फिर परफॉर्म करते हैं आप, और परफॉर्मेंस जब खत्म हो जाती है तो एडजॉर्न कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग है, दिस शुड हैपन हियर मैनेज टीम के अंदर। और जो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग के बाद आती है चीज, वो है उसके ऊपर एक्ट करना, और उसकी कैप्शन जो है कि वो आप का क्या रिलेशन क्या है। यहां पर भी टूल्स तकरीबन वही हैं सारे, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहां पे आ रही है एक एक्स्ट्रा। मैनेज टीम के अंदर इंटरपर्सनल टीम स्किल्स चाहिए, कंफ्लिक्ट का, डिसीजन मेकिंग का, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्फ्लुएंसिंग, टारगेट। बस ये कंट्रोल रिसोर्सेज आ गए, और ये कंट्रोल जैसे सारे कंट्रोल्स होते हैं, तो यहां पर हम वही बात के
वर्क परफॉर्मेंस डाटा आएगा, उसको हम रिसोर्सेज को चेक करने के बाद वर्क परफॉर्मेंस बना देंगे, और ये टूल्स जो जो इधर रिक्वायर्ड है वो इधर इनपुट में जाएंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर हम डाटा एनालिसिस करते हैं, वही अल्टरनेटिव एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस और कॉस्ट रिपोर्ट्स और ठीक है। डेटा एनालिसिस में अल्टरनेटिव एनालिसिस पॉजिटिव ये मैंने बात कर ली, निगोशिएशन और इन्फ्लुएंस की भी बात हो गई, बस इतना ही। जी जनाब, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हमारे पास रह गया रिस्क प्रोक्योरमेंट और कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर, ये चीजें। अब हमारे पास कितने दिन है, 3 दिन और हैं, नहीं 2 दिन और है। क्यों जी, आज क्या दिन है? हाँ 2 दिन और है, हो जाएगा इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। जी एनी कमेंट्स? जनाब चले जी, फिर नेक्स्ट कॉल इट अ डे, वेरी मच एंड टेक केयर, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं फिर, लेकिन मंडे का वही टाइम है 10 बजे से ऑनवर्ड्स। थैंक यू, खुदा हाफिज़।